कबड्डी चंदू का अंकल क्या बात है? वो राज नरसिम्हा भाई के पास चला गया है। नमस्ते भाई। क्या हुआ रे? कॉलेज में चंदू से मेरा झगड़ा हो गया। झटका लगा क्या? मैं हूँ तुम्हारा आशिक मस्ताना। प्लीज राजू मुझे जाने दो। ये क्या बात हुई यार, मैं सुबह शाम तेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़ा रहता हूँ और तू मुझे भाव नहीं देती। मेरी शादी होने वाली है, प्लीज मुझे जाने दो। तेरे मंगेतर ने बहुत सी फिल्मों की हीरोइनें देखी होंगी पर अब तक तेरी फिल्म नहीं देखी होगी। तेरे नहाने का सीन देख कर इस दुनिया का कोई भी पंडित या ब्रह्मचारी भी अपने रास्ते से भटक कर तेरा दीवाना बन जाएगा। अब तक तेरे इस प्यारे बदन को सिर्फ मैंने और मेरे दोस्तों ने देखा है और हो सकता है तेरा ये फिगर कल को ये पूरी दुनिया देखे। जानू मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। प्लीज इसे डिलीट कर दो। मेरे आगे हाथ जोड़ने के लिए मैं ना ही कोई भगवान हूँ और ना ही कोई संत महात्मा, मैं तो बस तेरे मखमली जिस्म का दीवाना हूँ। मेरी जान, मेरे रूम में आओगी तो डिलीट करूंगा, अगर नहीं आई तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। रानी चुप हो जा। फिक्र मत कर, शाम तक आ जाएगी। देख चंदू, तू मेरे रास्ते में टांग मत अड़ा। लास्ट राउंड। अरे चंदू, हमारी टीम को अब तू ही जीता सकता है। यार चंदू नाम का आदमी कौन है रे? तुम लोगों में से चंदू कौन है? तोड़ दो कभी देखी, जाओ खत्म कर दो। कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी अब तक तो मैं तुम चूहों के साथ काफी नरमी से पेश आ रहा था, तुम लोगों ने शेर के मुंह में हाथ डालने की जुर्रत की है। अब देखो एक एक का शिकार ये शेर कैसे करता है। अरे कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ कमीने। इसे मारा तो ये तुझे लेकर आया, अब तुझे मारूंगा तो तू किसको लेकर आए। मर गया। गलत हो गए भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। वैसे तो थोड़ी सी मस्ती मजाक जवानी में चल जाती है, लेकिन कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो जाए ना तो हजम नहीं होती। इस दुनिया में सेल फोन का आविष्कार लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने के लिए नहीं किया गया है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया गया है। अगर बारह ऐसी गलती हुई ना तो इस धरती से तेरा नाम और निशान मिटा कर रख दूंगा, समझ गया क्या? चल भाग। Hey, हर बार पैक मारते समय चीयर्स नहीं करते यार। पड़ गई ना। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तू अच्छी तरह से जानता है ना, आखिर इसी ने हमारी हारती हुई टीम को जीत दिलाई है। यही हमारी कबड्डी टीम का धोनी है। ये अपनी मनमानी कर सकता है, हजार बार चीयर्स कर सकता है, तुझे मार सकता है और इसे और उसे भी मार सकता है। अगर बिल नहीं भरेंगे तो ढाबे का मालिक हमें भी मार सकता है। अबे बिल भरने के लिए अपना खास सीनियर मोस्ट जूनियर आर्टिस्ट आया हुआ है ना, वो हमें पार्टी दे रहा है क्या? अरे कब से गा रहा हूँ यार, छोड़ना। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे ठुकरा दिया, दिन रात सुबह शाम धूप में छांव में असिस्टेंट से लेके डायरेक्टर के पीछे जूते घिसता रहा, ऊपर नीचे करके आखिर बैठ गया। थे हिंदी में बात कर रहा तो पण मना हिंदी को नहीं आवे। अच्छा तो आप लोग समझ गए ना। तुम लोग बजाते रहो, मैं जरा चंदू एक बार स्मॉल पैक बनाना। बस कर लगी, स्मॉल स्मॉल करके टंकी भर जाएगी, बाद में घर में बवाल खड़ा हो जाएगा। ए, शराब पीने के लिए मम्मी डैडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे युवा पीढ़ी को देखकर पेरेंट्स की गीली होनी चाहिए। ये तो आउट हो गया। सर आपका बिल। इधर नहीं उधर। मैं भी सिंगल, तुम भी सिंगल, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक सिंगल ड्रिंक। ड्रिंक? ये ड्रिंक किसने बोला बे? हाँ? कौन है बे तू? अभिषेक बच्चन, शीज ऐश्वर्या बच्चन। तो तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? जाओ। यस, ये मेरी बीवी है बे। यू आर अभिषेक बच्चन, शीज ऐश्वर्या बच्चन, मी कबाब में हड्डी। एक्सक्यूज मी मिस्टर, थोड़ी देर के लिए तुम बैठ जाओ, मैं इसके साथ जरा अपना मामला सेट करता हूँ। क्या बे कबाब में हड्डी? यस बोलो बच्चन। मेरी बीवी के साथ तू अपना मामला फिट करेगा? अरे बाप रे। क्या रे, चढ़ गई है इसलिए मारपीट कर रहा है या मारपीट करके चढ़ी हुई उतार रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सॉरी, मैं औरतों की जानकारी रखता हूँ, मुझे मर्दों की जानकारी रखने का कोई शौक नहीं है। सीधी तरह से आंटी को यहाँ भेजो। आंटी तुम बिंदास आ जाओ, मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों की शादी करा देता हूँ। मेरे सपनों की रानी आ जा। अच्छा, बिना मंगलसूत्र के शादी कैसे कराओगे? ये लो मंगलसूत्र। लकी, ये मंगलसूत्र नहीं है रे, नाड़ा है। इधर बांधो तो नाड़ा और उधर बांधो तो मंगलसूत्र। तू बांधना। मैं पुलिस वाला हूँ। हेलो लगी साहब, कंसंट्रेशन गाना गाने में नहीं कपड़े धोने में लगाओ। ऐसे एलर्जी काम करने के लिए ना एनर्जी की जरूरत पड़ती है, समझा? रात में जो पी थी वो वेस्ट नहीं गया? अरे वो वेस्ट नहीं, बूस्ट है, उसे पीता हूँ तभी तो ऐसे एलर्जी काम कर पाता हूँ। तो कीजिए।
ये क्या है बेटा, तुम लोग मुझे समझते क्या हो? और क्या, आपको बाप और माँ को माँ। अपना घर है सोचकर बाथरूम साफ किया, फर्श को पोछा लगाया, दुनिया भर के बर्तन घिसे, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, क्या नहीं करूँगा मैं, आंदोलन करूँगा। आपको प्यार से समझाया तो समझ में ही नहीं आता है ना? समझ गया। अगर मैंने कपड़े नहीं धोए तो तुम मुझे धो दोगे। बेटा रास्ते पे डगमगाता है तो बाप उसे संभालता है, उसके साथ खुद नहीं लड़खड़ाता। One, two, three, विनर गोविंद भाई। ए, क्या रे? तुम्हारे कॉलेज में एक भी मर्द नहीं बचा है क्या? मुझे हराने की किसी में हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा है तो इस कॉलेज के लड़कों को निकाल कर वुमेन्स कॉलेज में भेज दो। तू लड़ेगा? सर सुनिए सर, समझने की कोशिश कीजिए सर। ये कमीना बहुत उछल रहा है, उसे उछलने दीजिए सर, लीव हिम। अरे वो हाथी और आप चूहे हैं सर, अगर उसका एक भी घुसा पड़ा तो आप हमेशा के लिए सो जाएंगे सर। ए, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सांड है। बस करो, अब कोई नहीं बोलेगा। तू यहाँ का प्रिंसिपल है इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, चल भाग। जब तक शर्ट पैंट इस बॉडी पर है तब तक मैं प्रिंसिपल हूँ, उतारने के बाद मैं बन जाता हूँ रैम्बो। तू मेरी ताकत देखेगा? ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं होती है चिरकुट, मर्द के जिगर में भी होती है। कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। कम ऑन। डर के मारे मार नहीं पा रहा है। बच्चों की जान लेने की मेरी आदत नहीं है। बाद में फोन करती हूँ। ए मिस्टर, पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है। इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? नहीं है, घर पे छोड़ के आया हूँ। सिगरेट तो तुम पीते हो लेकिन तकलीफ पब्लिक को होती है, इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? मुझे उसकी भी जरूरत महसूस नहीं होती इसलिए उसे बैंक लॉकर में रखा है। हमेशा उल्टी ही बात करते हो, स्क्रू ढीला है क्या? अच्छी बात है, तुम्हारे कहने से मैं सिगरेट छोड़ देता हूँ, बदले में तुम मुझे किस दोगी? एक काम करो, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलो, अपना इलाज करवा लो, तब तुम लोगों को सताना छोड़ दोगी। ए फंतोष, ए अपनी आवाज नीचे रखा। तुमसे ही बात कर रही हूँ, अगर सिगरेट पियोगे तो कैंसर हो जाएगा और तुम मर जाओगे, तुम्हारे साथ साथ और लोग भी मरेंगे, पता है? ए, देख। क्या दिखाओगे? दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ, थोड़े हैंडसम हो इसलिए कुछ ज्यादा ही इतरा रहे हो। और तुम खुद को समझते क्या हो? मैं भी मार धाड़ वाले खानदान से हूँ। ए कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा यहाँ गलती से भी सिगरेट पीते हुए नजर आए ना, एक रिक्वेस्ट है, सिगरेट मत पियो, इससे तुम्हारी हेल्थ भी ठीक रहेगी और पब्लिक की हेल्थ भी ठीक रहेगी, तुम जरूर छोड़ दोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो मैं चलूं? हाँ, बाय। ये दे यार। क्या हुआ, किस ख्याल में डूबे हुए हो? वो लड़की मुझे सुनाकर चली गई यार। क्या कहा? ये तू क्या कह रहा है यार? वो जीरो पैक बॉडी वाली ने इस एट पैक बॉडी वाले की खटिया खड़ी कर दी, उसका एड्रेस तो दे। तूने मुझे क्यों मारा? उसका एड्रेस तू ढूंढेगा, अब चल। हाहाहा
पूजा के बालों से गुलाब का फूल क्यों निकाल रहा था? मैं उसे चेक कर रहा था। पूजा को? नहीं, फूल को। वैसे पूजा कैसी है? वो फ्रेश है सर। फिर तुमने गुलाब को क्यों छुआ? पूजा को छूता तो वो मारती ना सर। तू मेरी मार भूल गया क्या? कॉलेज में फ्लाइंग किसेस मारते हो, एक मुझे भी दे दो। मुश्किल है सर। क्यों? अगर लड़की होती तो मजा आता सर। तो मुझे भी एक सुंदर सी लड़की समझ कर दे दो ना। बस क्या सर, आपको देखकर तो मूड ही नहीं बनता। और तुम्हें देखकर मेरा तो मूड बहुत कर रहा है, दे दो ना एक चुम्मा। नहीं सर, नहीं सर। अब तुझे क्या हुआ है, तू इतना क्यों हिल रहा है? शर्म आ रही है सर। शर्म आ रही है, लेकिन क्यों? आप इतने लोगों के सामने किस मांगोगे तो कैसे दूंगा। अरे बाप रे, ओए इसे ले जाओ। अरे ले जाओ यार। तू एक घंटे से टॉयलेट में क्या कर रहा था? मुझे लूज मोशन हो गए थे सर। अगर अगली बार हुई ना तो ये ढक्कन लगा लेना। क्यों बे, उस लड़की का एड्रेस ढूंढा गया? नहीं मिला यार। ए फंटूश, तुम्हें कल ही कहा था ना सिगरेट पीने से सबको तकलीफ होती है। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अबे तेरी तो, अबे कमीने, जब भी देखो मुझे मारता रहता है, किसी और का गुस्सा हम पे क्यों निकालता है? हाँ हाँ बोल। ए, उस लड़की का पता चल गया। कहाँ है यार? एक कॉलेज है। हाँ, GUR। हाँ, ये कोई गुरु नानक NTV कॉलेज है यार, उसी में पढ़ती है। बड़ी मेहनत से उसका पता लगाया है। तुझे पार्टी देनी होगी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो लड़की कहाँ है? वो अंदर है। ओए ओए ओए, कहाँ को चल दी भाई पूरी पलटन? इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी हमारे रिस रेनबो की तरह बहुत स्ट्रांग है, बता रहा हूँ। हाँ, बाहर का कोई भी कैंडिडेट अंदर जाता है तो उसके हाथ पैर तोड़ देता है, इसलिए मेरी बात मानो तो उस लड़की के बाहर आने का हम यही इंतजार करते हैं। क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? मेरी मेहनत का तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो? ये हमारा कॉलेज है। ये हमारा कॉलेज है, ये मुझे क्यों नहीं पता चला? रोज अपने कॉलेज के चक्कर काटता है, अपने दूसरे कॉलेज के बीच में फट नहीं मालूम। तेरी तो हट। कहाँ है? ए, क्या है ये? जहर है, तुम टेस्ट करना चाहोगे? एक बात तो है, तुम जैसी दिखती हो ना वैसी तुम हो नहीं। ए मिस्टर, मैं कौन हूँ जानते हो? नाम है अंजू, MCA फर्स्ट ईयर। तुम्हें लगता है सेकंड ईयर के चंद्रशेखर को, जो यहाँ का किंग है, एक च्युइंगम की तरह चबाकर थूक कर फेंक देगी? सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो बैठो बैठो बैठो। ए तुम भी बैठो। ये कोल्ड ड्रिंक है या रम वगैरह मिलाकर पी रही हो? शरीफ लड़की हो। ए, ये कोल्ड ड्रिंक इतना मीठा क्यों है? तुमने पिया इसलिए क्या? ऐसी चीजों का परहेज किया करो, वरना हो सकता है स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, एनेस्थीसिया, प्लेग, एड्स, कैंसर और सुनामी, प्रिस्टर, गैंगस्टर, गुंजीला। ये बीमारियां लग गई तो सीधा ऊपर चली जाओगी। तू ही जाएगा। अगर तुमने आइंदा कभी भी मुझे या किसी और को सिगरेट ना पीने की सलाह दी ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम समझ गई ना। सॉरी सर, आप सीनियर हैं, मुझे नहीं पता था। तो जूनियर को सलाह दोगी? नहीं नहीं, मैं किसी भी स्टूडेंट को सलाह नहीं दूंगी सर। मतलब लेक्चरर को लेक्चर दोगी? कॉलेज में तो नहीं दूंगी, ठीक है ना सर? तो क्या बाहर वालों को दोगी? मैं किसी भी इंसान को नहीं दूंगी, अब तो ठीक है ना सर? अगर इंसान को नहीं तो कुत्तों को, बिल्लियों को, चूहों को, बंदरों को, सुअरों को, जानवरों को दोगी? I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको सिगरेट पीने से रोका। प्लीज I'm sorry। जो मुझे टोल फ्री सलाह देते हैं ना, मुझे उनसे बहुत चिढ़ होती है। चल निकाल। तू बहुत जल्दी मरेगा। अगली बार तुझे देख लूंगी पक्का। अरे तुझे क्या बताऊं यार, वो लड़की मुझे बहुत लाइट मारती है, सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर। शाम को मूवी देखने चलते हैं। हाँ। तू भी पहुंच जाना टाइम पर। अरे यार मस्ती करेंगे ना। देखते देखते दिल में उतर रही है। कौन यार? तेरी बहन। क्या?
मेरी बहन तुझे पसंद है? हद से भी ज्यादा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बहन कोयले से भी काली है और तू दूध से भी ज्यादा गोरा है। मेरी बहन ने क्या किस्मत पाई है? मैं तुरंत ये बात अपने माँ बाप को बताकर अपनी बहन का रिश्ता तेरे से पक्का करके शादी करवा देता हूँ। अबे भूतनी के, मैं तेरी उस काली बहन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस परी के बारे में बात कर रहा हूँ। गोरे रंग पे लट्टू मत हो बेटा, मेरी बहन तो ब्लैक ब्यूटी है और उसकी तो कोई वारंटी भी नहीं अपनी है। अपनी सड़ी हुई बकवास बंद रख तू। तुम यहाँ से ग्रीन सिग्नल दे रहे हो, अगर वहाँ से रेड सिग्नल आ गया तो? अगर उसे मुझसे प्यार नहीं होता ना, तो सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, मुझसे कभी कहती ही नहीं। ये लो, सभी सिगरेट के पैकेट पर सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा रहता है, तो क्या तू सभी सिगरेट के पैकेट से प्यार करेगा? कौन है? जो प्यार का मजाक उड़ाता है उसके ज्यादा ऐसा ही होता है। लव वो भी एक रिस्क है यार। प्यार जो आसानी से मिल जाए उसे प्यार नहीं कहते। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भगवान माफ कर सकता है, इंसान माफ कर सकता है, राजा ठाकुर नहीं। मुझे एक केस के सिलसिले में कोर्ट आना पड़ा। ये सब क्या है पापा? जब भी देखो कोर्ट में आना जाना, मारपीट करना, थाने के चक्कर काटना। करना पड़ता है बेटा। खैर छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। एक बात बताइए छोटी मालकिन, अपने गांव में इतने सारे स्कूल होकर आप इतनी दूर स्कूल में पढ़ने क्यों आई हैं? ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है। अंजू बेटी, यहाँ तुम्हें कोई परेशान करेगा तो कहना, उसे काट के फेंक देंगे। चलता हूँ बेटी। हाँ, लौटने से पहले तुमसे मिलता जाऊंगा। ठीक है पापा। बाय। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाय। ऑलरेडी सॉरी बोला ना, अब क्या चाहिए? मुझे इंग्लिश में तुमसे दो वर्ड्स बोलने हैं। आई लव यू कहने के लिए बोल रहा है? वो तीन वर्ड्स होते हैं, सिर्फ दो बोलने हैं मुझे। सिगरेट पीने से मुझे कैंसर होगा, मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तुमने मुझे कितना समझाया और बदले में मैंने तुम्हें गलत कहा, इसके लिए स्ट्रॉन्ग सॉरी, और मेरे सिगरेट छुड़ाने के लिए सिंसियरली थैंक्स। तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया? और नहीं तो क्या? तुमने मेरी बात मानी, उसके लिए थैंक्स। तुम्हारी बातों से मन को चोट लगी इसलिए छोड़ दिया। ओह सॉरी। इसी खुशी के मौके पर मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ, वन कोल्ड कॉफी। अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में भी तुम लोगों को सलाह दोगी ना, तो हमारे देश की आबादी कम हो जाएगी। मेरी टांग खींच रहे हो ना? नहीं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी आवाज में बहुत दम है। आओ वहाँ पीछे के टेबल में जाकर बैठ जाओ और बिंदास ऑर्डर करो। जाओ जाओ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहन की बात सुनकर तूने सिगरेट पीना छोड़ दिया ना, इसलिए तुम्हारी तरफ से मैंने सबको पार्टी दी है। तूने सब दोस्तों को बुला लिया? अभी तो सिर्फ दोस्तों को बुलाया है, बाकी स्टूडेंट बाद में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम सबको जो खाना है खा लो। ठीक है ठीक है। ए वेटर, जिसको जो चाहिए वो दे दे। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी कॉफी पीने की स्टाइल बहुत मस्त है। थैंक यू। ओके बाय। इतनी जल्दी? कॉफी ओवर, पार्टी ओवर। बाय बाय। बाय। सर बिल कितना हुआ? जस्ट 20,000 सर। बिल मैं भरूंगा, लड़की तू पटाएगा, तूने दोस्त के कपड़े उतारे हैं, एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। अरे इसको क्या हो गया? मुझे इससे क्या? ए पेपर तो छोड़, पेपर भी लेकर जा रहा है। हाँ हाँ हो गया। अरे वो आ रही है। हे तो उस पेड़ के पीछे कर लेना। अरे वो आ रही है, सामने देख। अरे बाप रे, तेरी जात का वो लड़की आ रही है। मुझे टेंशन हो रहा है। अबे काहे का आर्टिस्ट है तू? मुझे तो लगता है फेकू चंद है। महान आर्टिस्ट को फेकू चंद कहता है? मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, सबने सिल्वर जुबली मनाई, फिल्में हमारे दम पे चलती हैं।
अंजू ये हॉलीवुड के महान आर्टिस्ट हैं और मेरे मामा हैं, मेरे इकलौते मामा। अब कहाँ गए? आइए मामा जी, आइए ना, अमेरिका से आज ही इंडिया आए हैं। अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा रहे? अभी कुंवर हैं, ये खुद अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो मेरी शादी क्या करवाएंगे? आप भी अपनी तारीफ में दो शब्द कहिए ना। आपसे कुछ बोल रहे हैं? यस डार्लिंग, अरे मैं तो अपनी बीबी से बोल रहा था। आपसे ही कह रहा हूँ मामा जी, अपने डायलॉग बोलिए ना। बोलोगे तभी तो बोलूंगा। एक्शन। अरे ये बदमाश, रात और दिन, सुबह और शाम, उठते बैठते सोते जागते, खाते पीते, टॉयलेट में बैठते वक्त, मैं अपने चाइना फोन से रिचार्ज करते करते डिब्बे के फोन में क्वाइन डालते डालते कहता रहा, सिगरेट छोड़ दो बेटा, नहीं तो तू इस दुनिया को छोड़ देगा। हट, मगर बेटी तुम्हारे एक बार कहने से ही चंदू ने सिगरेट छोड़ दी, इसीलिए मैं तुरंत फ्लाइट पकड़कर तुम्हारे दर्शन करने चला आया। तुमने कुत्ते की दुम को सीधा कर दिया। मुझे अवार्ड मिलेगा क्या? माय डियर भांजे, खाने पीने का बिल तुम भरोगे ना? हाँ हाँ भर दूंगा, पर ज्यादा खाया तो बहुत मानूंगा। मैडम इस नाचीज की तरफ से एक शानदार पार्टी कबूल करें। शानदार पार्टी मत बोलो, नहीं तो बिल तुमसे भरूंगा। एक छोटी सी पार्टी सही, प्लीज। कौन सी पार्टी देने वाले हो तुम मुझे? किस पार्टी के बारे में बताऊं? वेडिंग पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या एंगेजमेंट पार्टी? ए, देखो तुम। कूल कूल, तुमने मेरी सिगरेट छुड़वाई ना, उस बात की पार्टी। सिर्फ यही बात है ना, और कुछ तो नहीं? वैसे कुछ और बात तो नहीं है, मगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बात तो जरूर है। हाँ? क्या बात है? कुछ तो है। लेकिन क्या? अरे वही तो कुछ है, लेकिन वो क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है कि कुछ है, तो कभी लगता है कि कुछ नहीं है। ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ है भी या नहीं है। तुम बताओ वो चीज क्या होगी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। जी 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 जी, तुम्हें मेरे बारे में कितनी बड़ी गलतफहमी है। कोई भी लड़का तुमसे प्यार करेगा इसका कोई चांस ही नहीं है। थैंक गॉड, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। क्या? आई हेट यू। व्हाट? यस I hate you. एक मिनट, प्यार करता हूँ कह रहे हो तो I hate you कैसे कह सकते हो? क्यों, बहुत बुरा लग रहा है क्या? ठीक है, एक खुशखबरी सुनाओ क्या? Congrats अंजू, तेरी तो निकल पड़ी यार। हाँ? तेरा ये आशिक तुझे दीवानों की तरह चाहता है। I love you. ओ लैला, इस मजनू को आई लव यू कहने में शर्म आ रही है, तो एक काम करना, व्हाइट ड्रेस पहनकर एंजल की तरह एक झलक दिखा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी लैला मुझसे प्यार करती है। क्या किया इन लोगों ने? साइकिल चेन और हॉकी स्टिक से मारा मारी करी है सर। इन माचिस की तीलियों से? ये माचिस की तीली नहीं सर, हॉकी स्टिक के सर पे मारेंगे तो सर फट जाएगा। इस चीज से? हाँ। जरा दिखाओ तो। और तू जरा अपना साइकिल चेन तो दिखा, ये हथियार है। ये कोई चैन है या धागा है? ए, अगर लड़ना है तो गन जैसे हथियार से लड़ो, या एक दूसरे पर बम बरसाकर लड़ो। बच्चों की तरह ऐसी छोटी मोटी चीजों से लड़कर इस रिस्क रैम्बो की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। जाओ, देखा ना इस रिस्क रैम्बो की कैपेसिटी। अगर तुमने दोबारा कभी अंजू से छेड़खानी करने की कोशिश की तो तुम्हें इस रैम्बो की ताकत का सामना करना पड़ेगा। वंस इस रिस्क रैम्बो का शैतान जाग गया तो तू मिट्टी में मिल जाएगा। बच्चों को बच्चों की तरह ही रहना चाहिए। आउट, गेट आउट। चंद्रशेखर माथुर, मेरी बात को नजरअंदाज करके तुमने फिर से मनमानी शुरू की तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। हाँ, ओ मैडम, तुम्हें क्या लगता है प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने से मैं डर जाऊंगा? देखो तुम हमारे पीछे पड़े हो, अगर ये बात हमने कोलडोंगरी के नरसिम्हा भाई को बता दी ना तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या तुम नरसिम्हा भाई को जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। फोन करूँ क्या, बुलाऊँ क्या उन्हें? प्लीज प्लीज सिस्टर, उन्हें मत बुलाओ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो सबसे पहले अंजू को सॉरी बोलो। ऐसा है क्या, सॉरी बोलना है ना, तो अभी बोल देता हूँ। जरा ये बुक पकड़ो। अंजू सॉरी, अंजू सॉरी, सॉरी अंजू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अंजू, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, सॉरी अंजू, जब तक तू मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्टॉप इट। अरे वाह, बच गए, थैंक्स अंजू मुझे माफ करने के लिए, इतना टाइम लिया इसलिए बुक। अरे बाप रे, सिस्टर बहुत गुस्से में लग रही है, नरसिम्हा भाई को बता देंगी। अंजू प्लीज, अंजू प्लीज, सिस्टर से कहो ना मुझे माफ कर दे प्लीज, अंजू सिस्टर से कहो ना मुझे, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, सिस्टर से कहो मुझे माफ करने के लिए प्लीज, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ऐसे ही पकड़े रहूंगा। सच्ची प्रॉमिस? ये क्या पागल कर दिया, प्लीज। ओके, आज के बाद तुम्हें कभी फॉलो नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ, बाय बाय। सुनिए वो बुक दे दीजिए ना मेरी। थैंक यू। देखा अंजू, नरसिम्हा भाई का नाम लेते ही कैसे डर से कांपने लग गया। थैंक्स वंदना। ये क्या? यही है क्या तुम्हारा करता धरता? क्यों बे कोल्ड होंगे ये भाई, चलो बता
अगर मैं इस लड़की से प्यार करूंगा तो तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बस क्या भाई, आपने पहले ही जो फटके लगाए हैं उसी के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। मेरी क्या मत मारी गई जो आपसे पंगा लूंगा। आप इनसे शादी करो या प्यार करो, मगर भगवान के लिए मुझे इस झमेले में मत घसीटो। अरे मेरी माँ क्यों सीधे साधे इंसान को मरवाने पर तुली हुई हो? अरे डोंगरी तो क्या मैं किसी गली का भी भाई नहीं हूँ, भाई को बता दो। क्या देख रहा है बे? भाई आप दोनों की जोड़ी बहुत झक्कास है भाई। शुक्रिया, तेरा काम हो गया। प्यार का इजहार क्यों नहीं करती? कहीं तो मुझे छोड़ ना दो इस डर से। जहाँ डर होता है वहाँ प्यार नहीं होता, और जहाँ प्यार होता है वहाँ डर नहीं होता। तुम चाहे हाँ कहो या ना कहो, मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए चंदू, इट्स अंजू का सपना मैंने कब से अपनी आंखों में बसा कर रखा है। तुम सपने देखना बंद करो। सच्चे प्यार करने वाले सिर्फ सपने ही नहीं देखते, उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। और ऐसे आशिक किसी भी हद से गुजर सकते हैं। तो क्या तुम प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो? कहीं से कूद कर गिरना या जहर पीकर मरने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर जब तक मैं तुम्हें खुद ना कहूँ तो मुझे दिखाई भी नहीं दोगे और मुझे फॉलो भी नहीं करोगे। बाय, नेवर सी यू अगेन। हाँ, ये क्या प्रॉमिस कर दिया यार, ये तो मामू बना गई मुझे। अब करे तो क्या करे यार, प्यार करूँ या प्रॉमिस निभाऊँ? प्रॉमिस निभाऊँ या प्यार करूँ? डैडी, ओ मेरी चमक छल्लो, जरा जरा धीरे से चलो। इस एरिया में लड़कियों को छेड़ने के केस बढ़ते जा रहे हैं। जो भी मवाली नजर आए उसे धो डालो। यस मैडम। कम ऑन, टेक योर पोजीशन। हेलो। यस डैडी। अबे कौन सी है तेरी माशूका? उसने तेरा पीछा छोड़ दिया ना। ओ, वो जिसने ग्रीन चेक्स और जीन्स की पैंट पहनी है वही लड़की क्या? ओके ओके, अभी तो लाइन पर रह कर देख कि मैं उस लड़की को तेरे लिए कैसे पटाता हूँ। जानती हूँ यार, पर क्या किया जाए। हाय बेबी। एक्सक्यूज मी, कहाँ की हो तुम? दिल्ली। ओह, व्हाट अ स्वीट वॉइस। हाइट भी ठीक ही है और वेट भी इतना ही होना चाहिए, दोनों की जोड़ी सुपर्ब है। मेरी नजर में तुम परफेक्ट मैच हो, तुम मुझे पसंद हो। अगर तुम मुझे हाँ कह दो तो शादी। शादी? हाँ? शादी करनी है क्या? हम करवा देंगे। आप लोगों की तारीफ, इसकी बहन हो क्या? हाँ राजा। हाँ? इसके लिए बहन हूँ। हाँ? और तेरे लिए डायन हूँ। चल तेरी बारात निकालूंगी। आंटी, आंटी मत कहो बेटी, मुझे सासू माँ कहो। हाँ, मैं भगवान को साक्षी मानकर तुझे अपनी बहू स्वीकार करती हूँ, प्लीज मना मत करना। आप? मैं चंदू की माँ हूँ। आप तो ऐसे पेश आ रही है जैसे वो बहुत ही शरीफ लड़का है। कितना बिगड़ा हुआ लड़का है, सिगरेट पीता है वो? सिगरेट ही नहीं बेटी, वो तो अपने डैडी के साथ बैठकर शराब भी पीता है। आजकल के जमाने में 100 में से 80% लोग ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बुरे होते होंगे। अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हारे घर में कोई सिगरेट शराब नहीं पीता? आपको पता है वो पढ़ता भी नहीं, लड़कियों के पीछे भागता रहता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरा बेटा बिल्कुल वैसा नहीं है। वो तुम्हारे पीछे पड़ा होगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें उसके प्यार की सच्चाई का सबूत देने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। एक सच्चे प्यार करने वाले को तुम खो ना दो, इसीलिए यहाँ आई हूँ। आंटी बिल्कुल सही कह रही है अंजू। आप? डरो मत बेटा, मैं चंदू का डैडी हूँ। बच्चे प्यार करते हैं तो माँ बाप उन्हें रोकते हैं, अगर नहीं माने तो उन्हें मारते हैं, उन्हें एक दूसरे से जुदा कर देते हैं। हम वैसे माँ बाप नहीं है बेटी, हम तो तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। चंदू कहाँ है? तुम्हारे अंदर जरा भी समझ नहीं है क्या? ये सब फैमिली प्रपोजल, इन सब बातों से मैं मान जाऊंगी क्या? जब बच्चे किसी से प्यार करते हैं तो माँ बाप उन्हें डराते हैं, कहते हैं कि तुम्हें माँ बाप चाहिए या प्यार। लेकिन मेरे माँ बाप तो खुद तुम्हारे पास मेरा रिश्ता लेकर आए क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर मेरे आगे पीछे मंडराने के बजाय तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे तो क्या होगा? तुम एक रैंक होल्डर बनोगे, उसके बाद तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ में सेटल हो जाओगे। ये सब पाने से मुझे तुम तो नहीं मिलोगी ना? बात पढ़ाई की हो या जॉब की, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जरूर पास हो जाऊंगा और कोई ना कोई तो जॉब जरूर मिल जाएगी, लाइफ तो सेटल हो ही जाएगी।
लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो शायद नहीं मिलेगी। जिंदगी से अगर खुशी ही चली जाए तो कोई जीकर भी क्या करेगा। अंजू, तुम्हारे प्यार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मस्त लग रही है यार। हाँ? इसे पैंट और टी शर्ट पहनाएंगे तो बहुत झकास लगेगी यार। सही का। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चलो चलो। एग्जाम्स के वक्त मैं इस मंदिर में जरूर आती हूँ। भाई उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो ना। जानती हो मेरा आधा पेपर भगवान लिख देते हैं। अरे ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी बाप। ए चलती क्या, ऐश करेंगे। क्या चिकनी, सिर्फ बोला तो उसे मारा, अगर करता तो। ए, इस लड़की को उठा के ले चलो अपने अड्डे पर, आज इसी से खेलेंगे। ए, क्या रे बहुत चाणा बनता है। तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं, चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। नहीं किया तो क्या कर लेगी बोल। मैं कुछ नहीं करूँगी श्याणे, तुम जैसे मवालियों को धूल चटाने के लिए वो यहाँ तूफान की तरह आएगा। मुझे धमकी दे रही है। तेरा बाप कोई पुलिस वाला है, तेरा भाई कोई गुंडा है। अगर बाप पुलिस वाला होता तो अरेस्ट करता तुझे, भाई गुंडा होता तो पलटन के साथ आता, कोई फ्रेंड होता तो रिक्वेस्ट करके छुड़ाता मुझे। लेकिन मेरा जो लवर है ना, वो अरेस्ट नहीं करता, रिक्वेस्ट भी नहीं करता, पलटन के साथ भी नहीं आता, अकेला अकेला सबकी बैंड बजाता है। कहाँ है वो, बुलाओ उसे। He is on the way. उसके आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। अगर गलती से भी तुमने मुझे टच किया ना, तो तुम्हारे मर्द होने पर तुम्हें अफसोस होगा, एक बेजान लाश बनकर रह जाओगे तुम। प्यार में जो भी लड़की पड़ती है वो अक्सर ना बॉयफ्रेंड को सुपर हीरो समझती है और अपने आप को सुपर मॉडल समझती है और हम जैसे लोगों को विलन समझती है। छे इसकी जात का, क्या करे अपनी किस्मत ही ऐसी है। विलेन की जगह अगर मुझे सुपर हीरो समझेगी तो तेरा क्या जाएगा बोल, समझते ही नहीं है ये लोग। तुझे समझा कर दिखाऊं, चल अच्छी तरह समझाता हूं चल। अरे क्या हुआ बे तुझे, ऐसे क्यों पड़ा है। हे उठ उठ। अरे अरे क्या हुआ, अरे सुन ना, अरे हुआ क्या, नहीं पता। अरे ये कहां भाग रहा है, रुक। हे कौन है बे तू। मेरा हीरो, मेरा सुपर हीरो। शूटिंग के लिए आया है क्या। ये तो लगता है बेकार हो गया। थैंक यू भाई। उस्ताद तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। जाकर मारो उसे। तुम लोग देख क्या रहे हो, मारो उसको। जाओ जाओ। हे जैकी चैन। हाँ भाई। अब उसे उसे दमदार गुस्से से हाथ डालो। अबे मुझे नहीं उसको। अरे भाई चिंता मत करो। भाई मुझसे गलती हुई, तुम्हारी ऐसी गलती नहीं होगी।
अब तू सोच रहा होगा कि हाथ तो मैंने पकड़ा तो ये मेरे सभी चमचों को क्यों मार रहा है, यही ना? तेरे इन चमचों की फौज की वजह से ही ना तूने मेरी अंजू का हाथ पकड़ने की जरूरत की। अगर तुझे मारने की बजाय तेरे इन चमचों को मार दूं ना तो हो सकता है तेरे दिमाग की बत्ती जले और तू सुधर जाए। हीरो बनने का बहुत शौक है ना, हाँ अब बनो। अब दोबारा मेरी अंजू की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरा भी यही हाल कर दूंगा। ए, तुझे तो मैं आई तुम जैसी हसीन लड़कियों को अकेला पाकर इसी तरह का फायदा उठाते हैं ऐसे कमीनी लोग। अब तुम मेरी बात तो मानने वाली हो नहीं, लेकिन मैं भी एलएसी कमांडो की तरह कब तक तुम्हें बचाता रहूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी हो जाती हो तो समझ लो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते हर वक्त हर जगह पर तुम्हारी रखवाली करता रहूंगा। अगर हम आपके पास रहे तो कोई भी माई का लाल तुम्हें छेड़ेगा नहीं, इसलिए जल्दी से मेरा कहना मान लो अंजू और मेरी बन जाओ प्लीज। तुम मान जाओगी, मुझे पता है ये, यू आर अ गुड गर्ल। बेचारा, उसे हाँ कह दो ना। लाइफ में पहली बार किसी से आई लव यू कहने जा रही हूँ। चलते फिरते कहीं भी किसी भी जगह पर बोलना ठीक नहीं है। कल मैं उसकी पसंदीदा वाइट ड्रेस पहनकर उसने जहाँ पर मुझे पहली बार आई लव यू कहा वहीं पर मैं भी कहूंगी। और ठाकुर साहब सब ठीक चल रहा है ना? वो कहा है ठाकुर साहब कि हमारा छोटा भाई बद्रीनाथ का इकलौता बेटा वीर प्रताप है ना, पता है उसने क्या किया? उसने गांव में ना कुछ 10 लोगों को अकेले ही काट कर फेंक डाला। अब कहा है हमारा वो मुन्ना उसने अपनी बेटी को किसी की शादी की सीढ़ी में देखा और उस दिन से हम शादी करूंगा तो उसी से करूंगा वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा ऐसी जिद पकड़ के बैठा है। उसने मुझसे कहा कि ताऊ जी आप लड़की वालों से मिलकर मेरी शादी पक्की करवाओ। हाँ तो ठाकुर साहब हम बात पक्की समझे ना। उठ बे उठ। तुम्हारे भाई का लड़का कितना नीच है ये बात सारी दुनिया जानती है। सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूंगा? नहीं ठाकुर साहब, जब से वो आपकी लड़की को देखा है हमारा भतीजा बिल्कुल सुधर गया है, अपनी माई की कसम खाता हूँ। इंसान सुधरता है, जानवर नहीं। देखिए ठाकुर साहब, आप हमारे भतीजे को अच्छी तरह से जानते नहीं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। सीधी तरह से उसे अपना दामाद बना लीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। होय, ये तुम्हारा अड्डा नहीं है, मेरा घर है ये। दोबारा इस चौखट पर कदम रखा या मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इंसान सुधर सकता है लेकिन कोई हैवान नहीं। भाई मैं इसे लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा, आप इसका रेप कर देना तब ये खुद ही आपसे शादी कर लेगी। अरे बुड़बक, तूने अपने आदमी को मार दिया। गुनाह किया इसने उसके बारे में गलत कहकर। वो मेरी होने वाली बीवी है, उसकी इज्जत लूटने की बात करता था। अरे लेकिन शादी के लिए ठाकुर को मानना भी तो चाहिए ना। उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों की शादी होकर रहेगी। मेरी बीवी हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ रही है, उससे उठा कर ले आओ। हेलो,
कहाँ है, कहाँ है मेरे जिगर का टुकड़ा? उसका चाचा उसे लेकर चला गया भाई। अंजू। पापा, इस तरह अचानक आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी शादी तय हो गई है बेटा। हे, बिटिया को दूल्हे का फोटो दिखाओ। पापा। क्या हुआ बेटी? मुझे ये शादी नहीं करनी। करनी पड़ेगी। विजय ठाकुर। जी भाई। शिवा ठाकुर को संदेश पहुंचाओ कि वो शादी की तैयारी करे। Hey, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। अंकल, मेरा नाम चंदू है। मैं अंजू का क्लासमेट हूँ। मेरी माँ हाउस वाइफ है और पिताजी बैंक में अकाउंटेंट है। और मेरी बहन। पहले ये बता, तू यहाँ आया क्यों है? अंजू मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। Hey! हमारे यहाँ औरतों, बच्चों और मासूम लोगों पर हाथ नहीं उठाते। जा यहाँ से। अंकल। ए, चल। लेकिन दोबारा कभी आस पास भी नजर आने की नादानी की ना तो तू इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। अंकल नमस्ते। भाई लोग नमस्ते। नमस्ते। क्या अंकल, डकर भाग जाऊंगा ऐसा लग रहा था क्या? जो गलती करता है वो भागता है, जो प्यार करता है वो सामना करता है। उस लड़के में क्या खास बात है और मुझ में क्या कमी है, ऐसी कोई एक वजह तो बताइए मुझे। Hey, सिर्फ चार घूसे खाकर ही गिर गया तू, तो तू मेरी बेटी को क्या संभालेगा? यहां के लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों ने कभी जमीन पर गिरकर हार नहीं मानी, हर तूफान का सामना करते हैं वो। शादी के बाद पत्नी और उसके परिवार की जिम्मेदारी, उन्हें संभालना उस लड़के का फर्ज होता है, और उसी इंसान को यहां मर्द कहते हैं। वही असली मर्द है, इसीलिए अंजू की शादी उससे करवाऊंगा। Hey, इसे शहर जाने वाली गाड़ी में फेंक कर आओ। अंकल, अगर मारना ही क्वालिफिकेशन होता है और जान लेना ही मर्दानगी होती है तो मेरी युद्ध कैपेसिटी क्या है, मैं आपको कब का दिखा देता। किन किन को किस किस तरह से मारने से आप अंजू की शादी मुझसे करवा देंगे ये बता दीजिए, मैं वैसे ही करूंगा। सब एक साथ आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन चलेगा। ये मजनू लैला के लिए कुछ भी करेगा। आओ कमीनो आओ। दस आदमी को अकेला मारने वाला आपकी नजर में मर्द होता है ना, उसी से अपनी लड़की की शादी करवाने का दस्तूर ठीक नहीं है अंकल। जिस लड़की को जान से ज्यादा चाहने वाला आशिक हो, अगर उस लड़की पर कोई भी आफत आए ना, तो उस आफत का पुजारी चाहे उसामा बिन लादेन हो, दाऊद इब्राहिम हो, या यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा ही क्यों ना हो, या उसके बाप का बाप हो, इसकी जात का भेंडे कोई भी भाई हो, एक एक की जबरदस्त वाट लगा दूंगा, समझे क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और हमें एक होने दीजिए। अंजू के साथ साथ फेरे लेने के बाद ही मैं इस गांव से बाहर कदम रखूंगा। विजय ठाकुर भाई, चंदू के माँ बाप को संदेश भिजवाओ। जी जी।
अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शादी की बात करने इतने लोग आए हैं तो शादी के वक्त कितने लोग आएंगे? क्या हुआ इन्हें? ये सगाई का सामान खरीदने शहर जा रहे थे, तभी रास्ते में बेटे की शादी मुझसे ना करवा कर किसी और से करवा देगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। तुझे क्या लगता है मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? पापा, नहीं। बेटी, वाह, बहुत सुंदर हो। Hey, I love you, darling. चलो चलकर शादी कर लेते हैं। नहीं, छोड़ दे। वो कमीना कहाँ रहता है? खोपरी नाका। वो जगह लंका है और वो वहां का रावण है। उसके हाथ से अंजू को छुड़ाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो क्या हम छोटी मालकिन को वही छोड़ दें? हम अपनी जान देकर भी उन्हें छुड़ा कर लाएंगे। चलो दोस्तों, चलो चलो। रुक जाओ, अंजू के खातिर तुम लोग अपनी जान गंवाओगे ये मुझे मंजूर नहीं। अंजू मेरी है और उसकी हर प्रॉब्लम भी मेरी ही है। ये क्या जाने मन, अगर तुम भूखी रहोगी तो मेरा क्या होगा सोचो। अच्छा चलो मेरे यहाँ से खाओ, खाओ। 16 साल की लड़की हो या 60 साल की बुढ़िया, चाहे वो कैसी भी हो, मुझे जो भी पसंद आई मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सच्चे दिल से मैं उनकी इज्जत करने लगा हूँ। इस बदलाव की वजह सिर्फ तुम हो। चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मगर तुम्हें शादी तो सिर्फ मुझसे ही करनी होगी और मेरे साथ ही सुहागरात भी मनाना पड़ेगा। यहाँ मेरा राज चलता है। इस लंका में आकर तुझे ढूंढने वाला हनुमान अभी पैदा नहीं हुआ। ए लक्ष्मी, बुलाया आपने? ओ, यू आर? नहीं, स्कूटर है, ध्यान रखना, उसे अपनी बीबी समझ कर नहलाना। ठीक। ये लो कीज। ए सफरचंद, तुझे बड़े मालिक बुला रहे हैं। मुझे सफरचंद कहा? मैं एप्पल राजू MA LLB हूँ। एडवोकेट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे वो एडवोकेट, आने में इतनी देर क्यों हुई? एडवोकेट साहब नया स्कूटर खरीदने गए थे। स्कूटर? अरे हमारे गांव में वकीलों की हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। तो तुमने स्कूटर कैसे खरीदा रे?
हे राम जी मालिक, तुम इसकी स्कूटर अपने पास रख लो और कोने में पड़ी हमारी जो साइकिल है ना वो इसको दे दो। ठीक है मालिक। ए, उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं है, लेकर जा, लंबे सफर में काम आएगी। चाबी दो। नहीं दूंगा। गाँव आ रे, मुंह बहुत चल रहा है तेरा। सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी चलता है मेरा। और किसी में हिम्मत है मुझसे चाबी मांगने की? अरे सीधे सीधे चाबी देगा कि दिखाऊं अपनी हिम्मत? नहीं 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 सर। ए बाल लक्ष्मण होगा, उससे स्कूटर की चाबी ले लो। ठीक है इधर आओ और मेरी पीठ खुजाओ, बहुत खुजली हो रही है, जल्दी से खुजा ना। सर मैं एम ए एल एल बी हूँ सर, मैं आपकी पीठ कैसे खुजा सकता हूँ? मेरी इज्जत का ख्याल रखिए सर, मुझे कोई दूसरा काम बताइए। ठीक है तो अंदर जाके घर का काम देख ले। सर क्या देख रहा है, अभी तक एक कपड़ा नहीं धोया, ये सारे कपड़े कब धोएगा? ये भी मुझे ही धोना है। हाँ जल्दी कर, और भी काम है। अबे क्या सोच रहा है, रस्सी लपेट, ध्यान से लपेटना। नहीं तो वो तो फटेगा ही, साथ में तू भी फटेगा। पिछले संडे को हमने जो बिरयानी बनाई थी ना वो फ्रिज में रखी है, इसे गर्म करके दे दो, बड़े मजे से खाएगा। ठीक है मालिक। सर जी, हा? आप तो रावण से भी ज्यादा दयालु हैं। का बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं सर। प्रभु मैं हमेशा आपकी आराधना करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, नारियल चढ़ाता हूँ, लेकिन उस राक्षस से मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। वैसे मैं एक बात तो समझ गया हूँ, आपसे मांगने के बजाय शैतान से मांगना बेहतर है। ये क्या है, भगवान जितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं क्या? भक्ते हैं। अब भूत भूत। अरे मूर्ख भक्त, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारा प्रभु हूँ। तो तुम भगवान हो? हाँ भक्त, मैं भगवान ही हूँ। अगर भगवान हो तो गायब होके दिखाओ। यू वॉन्ट मी टू डिसअपीयर? हाँ अब फिर से आकर दिखाओ। आप तो सचमुच भगवान है प्रभु। हाँ। भगवान आपके साथ अप्सराएं भी आई होंगी ना? तुम बहक रहे हो भक्त। सॉरी भगवान, भगवान अब तक मैंने बहुत सी मूर्तियां देखी मगर ऐसा गेटअप नहीं देखा। आप कहाँ के भगवान है प्रभु? मैं श्रीलंका का भगवान हूँ। श्रीलंका के भगवान है तो आपको हिंदी भाषा कैसे आती है? जब राम जी सीता जी को रावण से छुड़ाने श्रीलंका में आए थे तो मैंने उनके साथ रहकर हिंदी भाषा सीख ली थी। आपका नाम क्या है प्रभु? मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन, वो तो श्रीलंका का स्पिन बॉलर है ना? भक्त अक्सर अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखते हैं। मेरे प्रिय राजू एम ए एल एल बी। भगवान मेरे नाम के साथ साथ आप मेरी डिग्री भी जानते हैं? मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानता हूँ भक्त। मतलब मेरी प्रॉब्लम इतनी दूर तक पहुँच गई है प्रभु? इसीलिए तुम एक काम करो प्रभु, जल्दी से यहाँ से फुटास की गोली ले लो। मैं कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, एक बार नहीं दो तीन बार कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, कूट काट कर फिर ले जाते हैं। ओहो, तुम्हें एक परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ। वो क्या प्रभु? ये कौन है प्रभु? सनक जयसूर्या। वो तो श्रीलंका का बैट्समैन है ना? सॉरी प्रभु, आप भी श्रीलंका के भगवान है क्या? हाँ। अच्छा मैं भाग गया, वो मुझे फिर से ढूंढेंगे तो? वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, ये मैनेज कर लेंगे। आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? तुम ऐसा क्या प्रभु? तुम मर गए कह दूंगा। जो मर जाता है उसे कोई नहीं ढूंढता भक्त। ओह ब्रिलियंट आइडिया प्रभु। अब समय बर्बाद न करो, जाओ। भगवान पर विश्वास करना सीखो, अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से फूटो। जय मुथैया मुरलीधरन प्रभु, जय जय सनत जयसूर्या भगवान की जय जय जय। हो गई अपनी लंका में एंट्री हो गई। अरे यार अब पानी भी चैन से नहीं पीने देते, सुई क्यों लगाई रहे तूने? आपने कहा बुखार है इसलिए सुई लगाई। अरे मैंने बुखार नहीं कहा भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि सारा बदन दर्द कर रहा है। नमस्ते भाई साहब, किसी को टपकाने जा रहे हो ना? जाओ जाओ। नमस्ते, नमस्ते भाई।, भाई। अरे कौन है भाई तुम लोग? एप्पल राजू के भांजे हैं सर। हमारा मामा एप्पल कहाँ है? वो चले गए। कहाँ गया भाई? हमारा मामा चला गया दुनिया को लात मार के। मतलब? वो मर गए सर। अरे लेकिन मरे कैसे हो? नारियल फूट गया। नारियल? अब मतलब उनकी खोपड़ी। रास्ते में आते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़े वो। पॉकेट में पैसा ना होने के कारण मामा लॉरी पर चढ़े और उस ड्राइवर ने लॉरी कहीं ठोक दी। और उसके बाद हमने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, फिर हमें पता चला कि वो दुनिया से ही उड़ गए। जाते जाते आपके ही गुणगाते गए और आपकी इंसानियत के किस्से सुनाते रहे और कहा कि जिस तरह हनुमान राम के निकट रहे थे, जिस तरह चूहा गणेश के निकट रहते हैं, उसी तरह हम भी आपके निकट रहकर आपकी सेवा करें। आपकी सेवा करेंगे तो मामा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे लिए इतनी इज्जत थी, जरा ठीक से दबाओ ना भाई। आपको पता है सर, मामा ने हमें पढ़ाने में रात दिन एक कर दिए, ये फिर भी फेल हो गया। मैं पास हो गया सर। पास होने का क्या मतलब है? दोनों तो लॉयर ही हो ना?
वैसे तो एप्पल राजू नियत के मामले में कुत्ते से भी बढ़कर था। कुत्ता एक तरफ, एप्पल की नियत एक तरफ। उसकी फोटो को हॉल में रखकर हार चढ़ा दो। अच्छा तो बच्चों तुम लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम है शेखर। हाँ। और इसका नाम तुम चाहे चा घोच हुआ नहीं, तुम चा बाप समझ लगा। नाम कभी इतना लंबा होता है का? ये तो मेरा आधा नाम है जी। कौन है ये लोग? वकालत अच्छी करते हो ना? अपन तो स्टार है। हाँ? मतलब वकालत की दुनिया के स्टार हैं ये। धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। रुक जाओ, अंजू के खाने के बाद ये सब लोग खाना खाएंगे। अरे भाई तू हमें किस बात की सजा दे रहा है? तुझे तो पता है ना कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। दो दिनों से उसने कुछ नहीं खाया और ना तू हमें खाने दे रहा है। तेरी ये जिद हमारी जान लेकर रहेगी। हमारे पेट में जलन हो रही है बेटा। अरे अब सुई क्यों घुसेड़ी तूने? बीमार आदमी को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आपने कहा ना जलन हो रही है, इस उम्र में पिछवाड़ा जलना अच्छी बात नहीं है। अरे यार हमारा पेट जल रहा है, हमारा पिछवाड़ा नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तू इंसान का डॉक्टर है कि जानवर का। ए, अगर तूने बिना पूछे हमारे पिछवाड़े में दोबारा सुई घुसाई ना तो हम मुर्गी के बजाय तुम्हारी मुंडी काट कर उस पर मसाला लगा कर पका कर खा जाऊंगा। ए, इसे लेकर जाओ भाई, इसके हाथ पर बांध दो। अरे भाई देखो बेटा, हमारे जमाने में ना झट मांगनी और पट ब्याह का हिसाब चलता था। अगर तुम उसे समझाओगे तो वो कभी नहीं मानेगी। डला कर समझाओ, लाइन पे आ जाएगी। ठीक है भैया। भैया भैया रुको, आपका ये सेवक है ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे तुम कैसे संभालोगे? कौन हलवा है का? अरे बेटा उसे समझा समझा कर हमारा पेट टन हो गया है, इसलिए बेटा अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे जाने दो। लड़कियों को मनाने का भी एक आर्ट होता है भैया। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो नागिन की तरह डस लेंगी, अगर समझदारी से काम लेंगे तो हम पर प्यार के फूल बरसाएंगी। हाँ आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे एक मौका देकर देखिए, उसे खाना भी खिला दूंगा और शादी के लिए भी राजी कर लूंगा। अरे तो हमसे नहीं हो रहा है, वो तुमसे कैसे होगा? तू उसे कैसे मनाएगा भाई? यही तो खास बात है मुझमें। अगर नाकामयाब हो गया तो अपनी चप्पल उतार कर मारिएगा। ये इसे मारने की बात कर रहा है ये आपको? जब देखो उल्टी बात करता है। भाई इसके हाथ में खाने की थाली दे दो। अरे पगली रोती क्यों है? डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो चंदू, प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे यही शादी करने के लिए आया हूँ। तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाने में, इन लोगों से लड़ झगड़ कर जल्दबाजी में शादी करने में कोई मजा नहीं है, लेकिन इन्हीं के गांव में, इन्हीं के घर में, इन्हीं के लोगों के सामने, इन्हीं के तय किए हुए मुहूर्त पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधकर अगर मैं तुम्हें मिसेस चंदू अंजू बना दूं, उसमें मुझे कुछ असली मजा आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानते। और वो मेरे बारे में नहीं जानता। मैं जो फैसला करता हूँ ना उसे पूरा करके ही रहता हूँ। अगर कोई मेरे रास्ते में अपनी टांग घुसाता है ना तो मैं उसको बराबर बजा कर रख देता हूँ। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? गलती उसने की है, भुगतान भी उसी को करना पड़ेगा। अब तुम आराम से खाना खा लो और सो जाओ, बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे बहुत डर लग रहा है चंदू। तुम चिंता मत करो बाली की, मैं हूं ना। चंदू You're my everything, I'd do for you anything, na 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 na.
नहीं खाया ना? अरे खाएगी कैसे, हम जैसे खूनी दरिंदों की बात तो सुनती नहीं, डरती भी नहीं, तो इसकी बात कैसे सुनेगी? सुन भी लिया और खा भी लिया। क्या उसने सच में खाना खाया? रात के खाने की लिस्ट भी भिजवाई है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लिस्ट भिजवाई है, क्या लिखा है इसमें? चिकन भाजा, चिकन सैंडविच, चिकन पड़ा, चिकन मेथी, चिकन मसाला, चिकन रोल, चिकन हॉट डॉग, चिकन समोसा। भाई जैसे मंदिर में श्लोक पढ़े जाते हैं वैसे चिकन के मंत्र पढ़ रहे हो? ये सब खाने के पदार्थों के नाम है। खाने के पदार्थ है? अरे इतने सारे पदार्थ हमारे बावर्ची बनाएंगे क्या? स्टार होटल के बावर्चियों को ही ये सब आता है। इस तरह हम लोग मंगाएंगे और अगर हम लोग रोज मंगाएंगे तो आगे से हमें मुर्गी की टंगड़ी नसीब नहीं होगी। चुप हो गया बेटा। जो काम मैं दो दिनों से अब तक नहीं कर पाया वो काम तुमने दो मिनट में कर दिखाया, मान गया तुम्हें, बात है तुम्हारे अंदर। शहर जाओ और एक अच्छा बावर्ची लेकर के आओ। या रिंगा 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 वो उधर है। सफरचंद, सफरचंद बोला, ये पकड़। सफरचंद नाम नहीं है मेरा, एप्पल राजू MALLB हूँ मैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। क्यों बे, वहाँ मरने की झूठी खबर फैलाकर यहाँ शहर में मौज मस्ती कर रहा है? मैं तो मर चुका हूँ ना। एप्पल सच में मर चुका है। अगर वो मर गया तो तू कौन है बे? वो है ना जो मरा हुआ एप्पल है भाई साहब, और मैं उसका भाई चप्पल राजू हूँ, ट्विंस हैं। कहानी बना रहा है क्या बे? इसमें कहानी की क्या बात है? वो हेलो ब्रदर है, मैं चलो ब्रदर हूँ। तू यहाँ काम क्या करता है? वो देखो वहाँ बड़ा सा होटल है ना, मैं वहाँ बावर्ची का काम करता हूँ। मतलब तू खाना पकाता है क्या? या किसी भी टाइप का खाना हो कुछ ही मिनटों में बढ़िया तरीके से बना सकता। अच्छा चल गाड़ी में बैठ। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं बावर्ची हूँ सर। हमें एडवोकेट की जरूरत नहीं है, बावर्ची की जरूरत है। बजा बजा, इस बैंडबाजी की आवाज सुनकर ऊपर बैठे हमारे एप्पल की आत्मा खुश होकर दौड़ते दौड़ते नीचे आएगी, हमारे संग नाचेगी भी। हाँ तो बजाओ भाई बजाओ। अरे तुम लोग रुक क्यों गए भाई? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हमने कहा और ये सच में ऊपर से नीचे आ गया। भैया ये एप्पल राजू नहीं है, उसका भाई चप्पल राजू है। हाँ? अरे भाई ये अपना एप्पल ही है ना? नहीं सर। तो फिर वो एप्पल और ई चप्पल एक जैसे कैसे दिखते हैं? सर हम दोनों जुड़वा भाई है ना। अरे हमने तुम लोगों को बावर्ची लाने को कहा था और तुम इस चप्पल को क्यों उठा लाए? ये चप्पल राजू शहर का बहुत बड़ा बावर्ची है, ये बहुत बड़े होटल में खाना पकाता है भैया। ये चप्पल, यहाँ खाना बहुत मजेदार बनना चाहिए, उतारो नीचे, जाओ लेकर जाओ इसको अंदर, काम पे लगाओ। अरे वो चप्पल इधर घूम। अंदर कहाँ जा रहा है तू? पहले अपने भाई के फोटो को हाथ तो जोड़ प्रणाम कर। ठीक है। अब हो गया ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। अरे जा ना। भगवान! अरे बाप रे, ये कहाँ से टपक गया? अब क्या होगा? मामा जी, आप जिंदा हैं क्या? अरे बच्चों, ये आदमी तुम्हारा मरा हुआ एप्पल मामा नहीं, ये तुम्हारा चप्पल मामा है। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा ये मामा यहाँ आने वाला है, ये बात तुमको पता नहीं था क्या? कैसे पता चलेगा सर, भाई की मौत के गम में ये हमें भूल ही गए सर। मामा जी हौसला रखिए, मामा जी हमारे साथ चलिए, रोते नहीं मामा जी, आइए। श्रीलंका में पूजे जाने वाले भगवान है आप लोग, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पर आने वाले संकटों को हमने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हें छुड़ाकर हम यहाँ खुद ही फंस गए भक्त। तुम्हारा मैटर सॉल्व करने के लिए हम दोनों को एक एक क्वार्टर पीना पड़ा। आप लोग शराब भी पीते हैं क्या? शराब का मतलब ब्रांडी विस्की नहीं है भक्त, अमृत है। जब हम अमृत पीकर विश्राम करने लगे तो कोई आकर हमारी अंगूठियाँ चुरा ले गया। अंगूठियाँ खोने से श्रीलंका का स्वर्ग द्वार हमारे लिए बंद हो गया है, इसलिए हम यहीं रह गए। अंगूठी के खो जाने और यहाँ रहने के बीच लिंक क्या है प्रभु? तुमने असरानी और कादर खान की तकदीर वाला फिल्म तो देखी होगी ना? देखी है प्रभु, उसमें रवीना टंडन भी है। उसमें असरानी और कादर खान धरती पर आकर क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि उनके भविष्यवाणी की किताब खो जाती है, उसी तरह हमारी अंगूठी भी खो गई है। होटल में रहने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे भांजे बनकर यहीं पर सेटल हो गए हैं। मैं देवताओं का मामा बना हूँ,
मेरा जन्म सार्थक हो गया भगवान। ये बताओ तुम मुसीबत की चक्की से निकलकर वापस पिसने के लिए क्यों आ गए? अरे क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है। उन्हें बताता एप्पल राजू MA LLB हूँ तो मुझे पकड़ कर ले जाते, इसलिए बोला कि मैं बावर्ची हूँ। कुछ और बताना चाहिए था। उन्हें बावर्ची की जरूरत है, मुझे क्या पता था प्रभु। हम दोनों भगवान हैं, अगर ये बात अगर तुमने किसी को बताया तो तेरे शरीर के दो टुकड़े करके हम कुत्तों को खिलाएंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस राज को अपने ही दिल में मिन 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 कर जपता ही रहूंगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है। ताऊ जी सुना, क्या बात है बेटा, आज तो तू बहुत ही खुश लग रहा है, हमको भी तो बताओ। अगले शुक्रवार का दिन मुहूर्त बहुत शुभ है, उसी दिन शादी होगी। अपने दुश्मन पे तूने बम फेंका, इस बात से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। माई अब क्या हुआ भाई, आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपकी शादी हो रही है। ज्यादा एक्साइटमेंट इस उम्र में अच्छा नहीं होता। अरे है तो खुशी के वक्त भी रोऊं क्या मैं? ज्यादा रोना भी ठीक नहीं है, खुशी का लेवल और दुख का लेवल दोनों बैलेंस में होना चाहिए। भाई मुबारक हो। अनु लगन थारो बंटा था। बिल्कुल। I never seen an idiot like you, sir. अबे ओ लायर। कहिए सर। शादी की पूरी तैयारियां तुम ही लोगों को करना है। ठीक है सर। अबे हवाई चप्पल। सर, आप मेरे नाम का कचरा क्यों कर रहे हैं सर? अरे चप्पल को चप्पल बोला तो इसमें गलत का बोला भाई। ए हवाई चप्पल सुनो, चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो, मेहमानों के लिए हर तरह के पकवान बनाकर तैयार रखना, खाकर तबीयत खुश हो जानी चाहिए। चल जा जा। ए, दो चार दिनों के लिए ये बम तलवारों का काम बाजू में रखो और फूल गूंजने का काम शुरू करो। ठीक है भाई जी। आंखें दंग रह जानी चाहिए। किसकी समाधि के लिए? चलो तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी हमारे भतीजे से हो रही है। अगले हफ्ते शादी तो जरूर होगी, लेकिन तुम्हारे उस भतीजे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, वो होगी किसी और के साथ। किसी और के साथ? कौन है वो? मेरा प्रेमी। वो जरूर आएगा और तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हारे ही रखे हुए मुहूर्त में मेरा प्रेमी मेरी मांग भरेगा। तुम्हारा प्रेमी यहाँ आकर मेरी आंखों के सामने तुमसे शादी करेगा? अच्छा मजाक है। जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे काटते हुए आगे बढ़कर मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा। हलवा है क्या? तुम्हारा प्रेमी आकर भाई को मारकर तुमसे शादी करेगा? तो बुला लो उस मर्द को, किसमें कितना दम है देख लेते हैं। उसके यहाँ आते ही इन सब मुस्टंडों की बैंड बज जाएगी। उसकी जात का, यहाँ पर सभी मर्द चूड़ियाँ पहनकर बैठे हैं क्या? वो क्या यहाँ आएगा? उसके आने से पहले ही उसे ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे हमारे भाई। अच्छा? सही गाना बड़े भाई, उस लड़के को ढूंढने के लिए मैं क्यों जाऊंगा? देखा ना मेरे प्रेमी से कितना डरता है ये। डरता हूँ? और मैं? हाँ तुम। जैसे शेखर ने कहा मैं उस चूहे को ढूंढ कर ये हुई ना बात तेरे सामने ला कर उसे जियो भाई उसे काट कर तेरे गले में मंगलसूत्र डालूंगा। जय हो वीर प्रताप भाई की। जय हो वीर प्रताप भाई की। जय हो वीर प्रताप भाई की। उसे पकड़ने के लिए हमें गुरु नानक कॉलेज में जाना होगा। वो उधर मिलेगा ये तुम कैसे कह सकते हो? वैसे ही मुझे तो लगता है जिस कॉलेज में अंजू मैडम पढ़ती थी, जाहिर है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता होगा। हे, चार आदमी जाओ और उसे उठा कर लाओ। हे, चार लोग जाओगे तो एक ही फटके में मारे जाओगे। जिसका तुम शिकार करने जा रहे हो ना वो एक शेर है। वो एक शेर है ये तू कैसे जानता है? भैया ये सच है। वो जो प्यार में डूब जाते हैं वो शेर से भी खतरनाक होते हैं। कम से कम 50 लोगों को भेजो, अगर मार नहीं पाए तो उसे उठा कर तो ले आएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। पागल हो जाऊंगा मैं, क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। ये तुम नहीं समझोगे भक्त एप्पल, प्यार का जुनून है प्रभु। ये जो लड़की है ना एक लड़के से प्यार करती है, इससे शादी रोक कर उससे शादी करवानी है। भगवान जयसूर्या की यही स्कीम है। आप ये सारी बातें कैसे जानते हैं प्रभु? कर्ता कर्म और क्रिया सबकी खबर हम रखते हैं। वो तो करता है हाँ। और कर्मा वो है, क्रिया तुम हो भगवान। भक्त लोक कल्याण के लिए रावण का संहार मेरे द्वारा हो रहा है, ये तो मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है भगवान। सारे गामा पदनी सा। दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे तुम्हारी इज्जत लूटने का मन कर रहा है। अगर कोई देख लेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी अंजू। अंजू सीधी तरह से खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगी तुम्हें काट खाऊंगी। बाप रे। अनर्थ हो रहा है भगवान,
वो अनर्थ नहीं भक्त प्रसाद है। वो भगवान जयसूर्या की सेवा कर रही है। भगवान की ऐसी सेवा मैंने आज तक नहीं देखी भगवान। श्रीलंका में ऐसा ही होता है। हाँ भगवान, मुझे अपने साथ श्रीलंका ले चलिए ना, मुझे भी ऐसी सेवा की इच्छा है। अगर ये बात किसी को पता चली ना तो जानते हो तुम्हारा क्या होगा? मेरे दो टुकड़े हो जाएंगे प्रभु। जानते हो ना? हाँ। तो जाओ। अबे टकले, अंजू का लवर कौन है बोल। तू है? जंगल के शेर को सिर्फ शिकार करना ही आता है, लेकिन इस शेर को शिकार करना भी आता है और खेलना भी। वहां खेल खेलना और यहां शिकार करना। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही तू अपनी सेहत के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है भाई। माई, इस सुई की चुभन से चाकू की चुभन ज्यादा अच्छी होगी भाई। अब क्यों गुस्सा भाई? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे भाई, मैं उस पर गुस्सा थोड़ा ही कर रहा था। तो फिर हाथ आगे बढ़ाइए। एक काम कर, इसे इसमें डाल और इसे मिक्सर में मिक्स करके छाछ बना के दे दे, हम पी जाएंगे। भैया भैया, एक पार्सल आया। भैया लाओ लाओ, क्या होगा इसमें? भाई भाई के शादी के ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे। अरे इसमें तो कुछ लाल अक्षर में लिखा है। लगता है किसी पागल ने कुछ लिखा है भैया। अरे हाँ। ऐसी वैसी चीज नहीं है, शादी का न्योता है। अंजू और चंदू, 6 days टू गो। 6 घंटे पहले ही नहीं रहे, 6 दिन पहले ही सबको बुला लूंगा भाई। अरे माई, फिर से क्यों घुसेड़ा रे? बात वो नहीं है। अरे बात कुछ भी हो, तूने सुई क्यों घुसेड़ी? क्योंकि आप ये बात सुनेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। कपड़े पे लिखा है कि 6 दिन के बाद अंजू और चंदू की शादी होने वाली है। अरे अंजू चंदू कौन है रे? अंजू मतलब मैं हूँ और चंदू मतलब मेरा प्रेमी। तुम्हारे ही रखे गए मुहूर्त में हमारी शादी फिक्स करके उसने तुम्हें शादी का न्योता भेजा है। हमने अपने आदमी को तुम्हारे प्रेमी को लाने के लिए भेजा था। कहाँ है वो? वो लोग लंका गए हैं। लंका गए हैं? अरे माई, लंका गए मतलब वो सब ऊपर पहुँच गए। भाई अगर आपको ताकत आजमानी है ना तो अंजू के प्रेमी पर आजमाइए। क्या बक रहा है? वही भाई, उस शेर पर। मेरा मतलब है आपके दुश्मन चंदू पर भाई। वो लड़की आपको भड़का कर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, मगर आप उसकी बातों में मत आना। अगर उसमें वाकई हिम्मत है तो वो सगाई के दिन जरूर आएगा तुम्हारे देना, और अगर नहीं आया तो खुशियां मनाओ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे बाप रे, इतने सारे दिए क्यों जलाए तुमने? आज पहली एकादशी है भगवान, मेरी आराधना स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे जरा जोर की लगी। आराम से कर लीजिएगा ना प्रभु। ठीक है, जल्दी करो भगवान। ओम श्रीलंका देवाय नमः, बुधैया मूल्य देवाय नमः, श्री बचाओ देवाय नमः, श्री शत्रु देवाय नमः, श्री मददगार देवाय नमः। भगवान बोलो। अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसे मुंह खोलिए जरा। क्यों भक्त? कीजिए ना प्रभु। मार डालेगा क्या? ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है तू? जय जय भगवान। ओ दाता, तू सबका रखवाला रखवाला। अरे बाप रे, हे प्रभु रखवाला। भाई नमस्कार। भाई तुम लोगों को कब से बुलाया था और अब आ रहे हो? हम लोग हॉस्पिटल में थे भाई। हॉस्पिटल में? हाँ। क्यों, क्या हुआ था? अरे भैया को एक आदमी ने बड़ी बेरहमी से मारा। तुझे मारा? हाँ भैया। भैया कहाँ रहता है वो? पता होता तो वहाँ जाकर उसे टपका नहीं देता क्या? ठीक है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले शादी का काम संभालो। ठीक है भैया। शेखर को बुला। हाँ भाई, आपने बुलाया? भैया
भैया मुझे इसी ने मारा था, मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। रुक जा शेखर, तूने इसे मारा क्या? मारा क्या? हाँ मारा। आप पूछ क्या रहे हैं, मैं इसे मार देता हूँ। तुमने क्यों मारा इसे? इसने अंजू का हाथ पकड़ा इसलिए इसे मारा। अंजू के साथ जो भी बदतमीजी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई। ये तुम क्या कह रहे हो, इसने अंजू के साथ बदतमीजी की? हाँ भाई। भैया भैया कमीने, अंजू मेरी होने वाली बीवी है और तूने उसका हाथ पकड़ा। भैया नहीं भैया, छोड़ दे शेखर, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसने अंजू का हाथ पकड़ा और आप सच्चाई जाने बगैर इसे मारने लगे। मैंने तो इसे इसलिए पीटा क्योंकि इसने मेरी होने वाली बीवी को छेड़ा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो क्या इसने जिस लड़की को छेड़ा वो मेरी अंजू नहीं थी क्या? नहीं भाई, वो मेरी अंजू थी। क्यों बेरंगा? भैया शेखर की बात सही है क्या? हाँ भैया सच है भैया, जिसका हाथ पकड़ा वो आपकी बीवी नहीं थी, इसकी प्रेमिका थी। तो फिर शेखर से माफी मांग। हाँ भैया मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाई। हम दोनों की शादी होने तक भैया शेखर जैसा कहता है वैसा ही करना, समझा? वैसा ही करूंगा भैया, मैं वैसा ही करूंगा। समझ गए ना भाई? भाई 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 एक मिनट, क्या हुआ भाई? सच बताना, वो लड़की आप ही की प्रेमिका है ना? हाँ। तो भैया क्यों कह रहे हैं कि वो उनके होने वाली बीवी है? क्योंकि वो उसे शादी करना चाहते हैं। आपकी प्रेमिका से वो शादी करना चाहते हैं? हाँ। अगर आपकी प्रेमिका से भैया शादी कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी वाली से यही शादी करने वाला हूँ। भाई 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 भाई, भाई। अरे यार अब क्या हुआ, जरा ठीक से बताइए ना। पूछो। आप जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो यही लड़की है ना? हाँ। भैया जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो लड़की भी यही लड़की है ना? हाँ। अरे वाह, ए मैं समझ गया। ये क्या समझा, आप उनकी समझ में नहीं आया? आप जिस लड़की से प्यार करते हो उस लड़की से भैया शादी करने वाले हैं, तो आप उसे मंगलसूत्र कैसे बांधेंगे? क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ इसलिए मंगलसूत्र बांधूंगा। कब बांधेंगे? उन्हीं के रखे हुए मुहूर्त पर। वो कौन गधा है जो ऐसा कर रहा है? कौन गधा? वही गधा वीपी। तो उस गधे वीपी की शादी कौन करवाएगा? उसी की शादी करवाने का काम उसने मुझे सौंपा है, अकल के दुश्मन। उसकी शादी ये करवाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वो बीपी जिससे शादी कर रहा है वो किसकी आइटम है? इसकी आइटम है। अगर बीपी भाई के कानों में ये बात पहुंची तो वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इधर आ। मैंने हाथ किसका पकड़ा था? उसकी आइटम का। और भैया शादी किससे कर रहे हैं? उसकी आइटम से है ना। हाँ? तो फिर ये बात भैया को पता चली तो क्या होगा पता है? आपके टुकड़े टुकड़े करके भाई मान गए, भाई आपका दिमाग बहुत चलता है। ठीक है अब सुनो, हम लोगों ने किसी को नहीं देखा, नहीं देखा। खासकर हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा, नहीं देखा। किसी की शादी हो या ना हो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? शादी में आए हैं, आए हैं। काम वाम करेंगे, काम वाम करेंगे। खाना खाएंगे, खाना खाएंगे। और चले जाएंगे, और चले जाएंगे। समझ गए ना? समझ गए। जाओ काम वाम करो, अंदर चलो। नमस्ते एप्पल। एप्पल उठा के दू क्या चप्पल? एप्पल राजू MALLB का हो। Give respect and take respect. भैया की शादी तुम्हारी छुट्टी, कोर्ट क्यों नहीं गया? संडे के दिन कौन सा कोर्ट खुला रहता है रे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भाई की शादी है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इतना ही नहीं, दुल्हन के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हमारे भाई ने उसको कभी हाथ भी नहीं लगाया। चुप कर। ठीक है जा जाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस एप्पल राजू MALLB को देखकर अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। एप्पल सर की फोटो पर किसने हार चढ़ाया? अरे बाप रे, बोल क्यों जाता है कि एप्पल मर चुका है? किस गधे ने ये हार चढ़ा दिया? अरे रंगा हटाओ जी, इस फोटो पर से हार क्यों निकाल रहे हो? नया हार चढ़ा रहे हो का? जिंदा इंसान के ऊपर हार चढ़ाना अच्छी बात है क्या? अरे भाई ई मर चुका है तभी तो हार चढ़ाया है। अपने लॉयर साहब मर चुके हैं क्या? अरे ऐसे मरे हुए 12 दिन हो गए, आज का दिन पकड़ के 13 हो गए। अरे अभी कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो अभी भी लॉयर साहब से बात करके आ रहे हैं। अरे बताना यार। हाँ भाई। अरे आप क्यों चाय लेकर आ गए? बावर्ची चाय नहीं लाएगा तो लॉयर की तरह केस लड़ूं क्या? पर आप तो लॉयर है ना। अरे रंगा ये लॉयर एप्पल नहीं है बाबा, उसका जोड़ भाई चप्पल है ये। चप्पल नहीं सर, चप्पल राजू। अरे बात तो एक ही है ना, चप्पल हो या जूता। आप सच में लॉयर नहीं है क्या? लॉयर नहीं, मैं सच में बावर्ची हूँ। तो फिर पहले लॉयर क्यों बोला? ये पकड़ो, पहले लॉयर बोला तो तुम मान गए, अब बावर्ची क्यों नहीं मान रहे? पर पहले लॉयर बोला था ना। वही तो, पहले जिसने बोला वो लॉयर था, एप्पल राजू MALLB, दिस जेंटलमैन अब हमारे बीच नहीं है, और मैं चप्पल राजू कुक हूँ, समझ गए ना? वो जो था वो ये है, ये जो है वो मैं हूँ, मैं ये वो, मैं ये वो मैं नहीं हूँ। हेलो ब्रदर, चलो ब्रदर,
क्या हो रहा है यहाँ पर? शादी में आए हैं, काम करेंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे, समझ गए ना? समझ गए ना? तुम्हारे को क्या बात है, शाम को एंगेजमेंट है और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। दुल्हन के चेहरे पर हंसी होगी तभी शादी में रौनक नजर आएगी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है चंदू। तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, अगर ये लोग नहीं हैं तो शादी का, इस शादी का कोई मतलब ही नहीं होगा चंदू। अंजू, चाची, हम अपनी बेटी की शादी में शरीक नहीं होंगे तो और कौन होगा बेटी? पापा कैसे हैं? तुम्हारे पापा के बिना हम शादी नहीं करेंगे। थैंक यू। भाई भाई, उस दिन ना आप कौन है ये लोग? ये अंजू के चाचा और चाची हैं। ये कौन है दामाद जी? अपना ही एक चेला है। इन लोगों को यहाँ से भेज दो भाई, अगर पिपरी देख ले तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा ताऊ जी, मैं उनके साथ काफी प्यार से पेश आऊंगा। पर किस खुशी में? हम जब उनके घर गए थे तब तो हमारे साथ कुत्ते जैसा पेश आए थे। तब हमारे दुश्मन थे तो दुश्मन की तरह ही पेश आए। अब हमारा उनसे रिश्ता जुड़ने वाला है, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये कैसी सोच है तुम्हारी? दुश्मन की ताकत को अगर कमजोर करना है तो शकुनी की तरह सोचो, और अगर उसे खत्म करना है तो श्री कृष्ण की तरह शांति से पेश आओ। हमारी छत्र छाया में रहकर भी तुम्हारे अंदर इतना दिमाग कहाँ से आ गया? यार, के छत्र छाया में रहने का असर नहीं है, ये शेखर की संगत का असर है। पता नहीं हमको ऐसा काहे लगता है कि वो जो शेखर है ना, भगवान श्री कृष्ण और मामा शकुनी दोनों की मिलावट है। ताऊ जी, हंसना छोड़कर शादी की तैयारी कीजिए। Oh.
चाहे जब लो गालों पे लो कर ले किसको चख ले चख ले किसको लव ले किसको लव ले किसको तेरे किस में यारा चाहत तेरे किस की मुझको हसरत तेरे किस में यारा जन्नत यारा जन्नत पब्लिक में ये सब क्या कर रहे हैं? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लाइंग किस दे रहा हूँ। आपके किस के बारे में आपके किस के बारे में बीबी को पता चल गया ना तो अफसर मैं भी कट जाऊंगा। ए ए तुम लोग बाहर का काम देखो चल जाओ 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 जाओ, जाओ। कोई देख लेगा भाई? देखेगा तो देख लेने दो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो चिकना दिखता हूँ। अबे तेरी बहन यार, हम पकड़े जाएंगे भाई। पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाएं। वो शैतान बीपी हमें मार डालेगा। तुझे या मुझे? आप तो जादूगर हैं, आप भाग जाएंगे, लेकिन मैं तो सीधे ऊपर चला जाऊंगा। अब तो भाई कहाँ गए भाई? जैसा हमने सोचा है हमारी एंगेजमेंट बिल्कुल वैसी होगी। यू जस्ट वॉच एंड एंजॉय। आपका एंगेजमेंट वो तो भैया का है ना, मुहूर्त वो तय करेगा। रिंग मैं पहनाऊंगा। जब तक भैया जिंदा ऐसा कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नमस्ते भाई। ये किसने बांधा? ठीक से बांधो भैया। क्या नहीं होगा भैया? वो क्या है ना कि कल आपका एंगेजमेंट है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। डर रहा है यार, ठीक से बताना, हालत खराब हो गई क्या? भाई चुप हो जाओ, मैं आपके हाथ तुम बोला। डार्लिंग जरा दो मिनट होल्ड करना। कुछ नहीं भाई, मेरी प्रेमिका से मेरी शादी नहीं हो गया। नहीं होने देगा क्योंकि उस लड़की के लिए मैंने इसे मारा था। अब आप ही बताइए क्या सही है। भाई मुझे मरवाने पे क्यों तुरे हो? मैं आपका भाई हूँ, मुझ पर दया करो। मैं भैया की शादी में आया हूँ, अपनी कब्र खुदवाने नहीं। भैया मैं फूल लेकर जाता हूँ, ठीक है? भैया तुम बताओ शिकार। कुछ नहीं भाई, मेरी लव स्टोरी में एक विलन की एंट्री हुई है। जब तक वो रहेगा तब तक मेरी शादी नहीं होगी, ऐसा ये कह रहा है। और मेरा ये कहना है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी शादी करवाएंगे, पर ये नहीं मान रहा है। अब आप ही बताइए भाई, आप हम दोनों की शादी करवाएंगे ना? ये चाहे लाख कोशिश कर ले, मैं तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगा। इसे कहते हैं मर्द की जबान। भाई यही बात आप मेरी प्रेमिका से कह दो ना, प्लीज। उसे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज भाई। देखो बहन, तुम बिल्कुल बेफिक्र मत करो, वो कुछ भी नहीं करेगा। तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगा भाई। ये भाई का वादा। इस भाई के होते हुए तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है बहन, तुम बेफिक्र रहो। ओके भैया, थैंक यू। थैंक्स भाई। आप खुश हो ना? तो चलो तैयार हो जाओ। ये कहाँ चला गया? हे कृष्णा गोपाला। ये क्या, श्रीलंका के भगवान को कृष्ण क्यों कह रहा है ये? मुरारी। क्या रे? क्या बात, क्या है? कैसी बात? उन दोनों के बारे में क्या जानते हो? उनके बारे में तुम भी जानते हो क्या? जानना क्या रे, उन्होंने अपने बारे में खुद मुझे बताया। आई एम सो लकी। वैसे तुम्हें पहले कहाँ मिले? मंदिर में। ओ, वो मंदिर में मिले? मगर मुझे तो हाँ। मंदिर में खुद आकर के मिले। अच्छा, ये बात उनको पता चली तो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे वो। और मुझे तो काट के गाड़ देंगे। मेरा सर फटा जा रहा है, चाय लेकर आ। मैं चाय लेकर आऊँ तेरे लिए?
खुद को समझता क्या रे तू? मैं एप्पल राजू MA LLB लॉयर हूँ। लॉयर? Give respect and take respect। फिर तुमने बावर्ची क्यों बोला? अबे बावर्ची कब बोला? बावर्ची तो उधर है। अरे ओ चप्पल। आया सर। भाई दूसरों के लफड़े में क्यों पड़ रहे हो? शादी में आए हो? आए हैं। काम करेंगे? काम करेंगे। खाना खाएंगे? खाना खाएंगे। और चले जाएंगे? और चले जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। क्लब कहाँ है? अरे जुआरी की औलाद, हम यहाँ पर ताश खेलने नहीं आए, मुहूर्त निकालने आए हैं। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चल। अरे ये कौन है भाई और ऐसे हाथ क्यों हिला रहा है? अरे इसका नाम तोताराम पुजारी है, जवारीपुर से आया है। जवार का धंधा है? नहीं नहीं, मुहूर्त निकालते हैं। हमारे पंडित जी काशी गए हैं, इसीलिए उनके सबसे गुणी चेले को रिक्वेस्ट करके लाया हूँ। मुहूर्त निकालने से पहले सब लोग एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। ये पागल लोग नहीं जानते हैं प्रभु, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ रहे हैं और जो असली भगवान खड़ा है उसे पहचान ही नहीं रहे। हुस्न की मलिका, तुम्हारा नाम क्या है? अंजू। बेगम की उम्र? अब एज 20 इयर्स। बादशाह का नाम क्या है? एप्पल राजू MA LLB। अरे चप्पल, जूते से मारूंगा तुझको। उस पंडित ने तेरे भाई का नाम नहीं पूछा, उस भाई का नाम पूछा। बीपी है जी। मतलब वीर प्रताप जी। पंडित जी जल्दी से शुरू कीजिए। पहले तू बांटेगा या मैं बांटूं? अरे तू शादी का मुहूर्त निकालने आया है या यहाँ सबके साथ मिलकर ताश खेलने आया है? ये मुहूर्त निकालने का लेटेस्ट तरीका है, पहले पत्ते बांटते हैं बाद में अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं। ये लेटेस्ट तरीका है, हमने तो अब तक नहीं देखा। श्रीलंका में ऐसा ही होता है। बेगम, बादशाह, अंजू, बीपी, अंजू, बीपी। अरे भाई अब क्या हुआ? जोकर मर गया। तो क्या हुआ? दुल्हन को बदलना पड़ेगा। अरे देखो किसकी देखूं, फिर दूल्हा बदल देते हैं। अगर दूल्हे को नहीं बदल सकते उसका नाम ही बदल देते हैं। अरे नाम बदलेगा तू? जान से मार दूंगा। अगर अपने बेटे का नाम नहीं बदलेगा तो ये फौरन ही ऊपर चला जाएगा। अगर तूने नाम बदली किया ना तो काट के रख दूंगा। मुझे मरने का शौक नहीं है, मैं चला। पंडित जी आप बैठिए, मैं बात करता हूँ ना। भाई हमें तो शादी होने से मतलब है ना, कार्ड पर कोई भी नाम छपे क्या फर्क पड़ता है, जरा सोचिए तो। ए पंडित सुन, एक अच्छा सा नाम देख और उससे भी एक सॉलिड मुहूर्त निकाल। भाई तुम बहुत ही चालू हो, ताल में कुछ काला है, अब क्या करने वाले हो भाई? क्या चंद्रशेखर, क्या नाम सोचा यार। ठीक है पंडित जी, चंद्रशेखर वेट्स अंजू कैसा रहेगा? सुपर हिट बेटा, इस नाम के साथ कोई अड़चन नहीं आने वाली है, तो पक्की कर दूं। भाई तुम लवर हो और वो कवर है, तो ये चंद्रशेखर कौन है? लवर चंदू, लॉयर शेखर। चंद्रशेखर वो हम हैं। चिरंजीवी चंद्रशेखर और चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती अंजू का विवाह आने वाले शुक्रवार को सुबह 10:10 पर संपन्न हो जाएगा। भगवान स्वयं अपने भक्तों की शादी का मुहूर्त निकलवा रहे हैं, ये उनके लिए कितनी खुशी की बात है प्रभु। मैं उस दूल्हे को देखना चाहता हूँ प्रभु। तुम अभी तक बहुत कुछ देख चुके हो। सब कुछ शुभ है, थालियां तैयार है ना? हाँ तैयार है। सुनिए खालियों की अदला बदली जोड़ीदार करेंगे। ऐसा है का? डॉक्टर इधर आ, हमारा जोड़ीदार बन। जोड़ीदार का मतलब है पति पत्नी, अपनी पत्नी को बुलाइए। अरे उसे कहाँ से बुलाऊं भाई, वो तो स्वर्ग में जाके बैठी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, ये कार्य केवल दंपत्ति ही कर सकते हैं। अरे पंडित जी यहाँ पर सिर्फ मर्द ही रहते हैं, औरत कोई नहीं है। लेकिन पंडित जी कोई दूसरा उपाय भी तो होगा। पंडित जी कुछ भी करके ये कार्य पूरा कीजिए ना। डोंट इंसल्ट मी, जोड़ीदार के बिना थालियों की अदला बदली नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ऐसा मत कहिए पंडित जी प्लीज। भाई आपके नाम से आपने एंगेजमेंट करने का प्लान किया लेकिन आपके प्लान पे पानी फिर गया। बेटा आप लोग कौन है भाई? सर ये मेरे मम्मी डैडी हैं। आप यहाँ क्यों आए? घर से गए हुए 2 हफ्ते हो गए, ऊपर से कोई फोन नहीं, खुद को समझता क्या है तू? अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपसे कह रही हूँ। मैं? ये क्या साले साहब, बैंगन का भरता अच्छा नहीं बना तो कोई अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चला आता है क्या? यूज़लेस फेलो। ये लोग कौन है प्रभु? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरे मम्मी और डैडी हैं, आपकी बहन और जीजा जी। अरे का लफड़ा है, खुद की बहन और जीजा को नहीं पहचान पा रहा ये। अब बड़े मामा जब से ऊपर गए हैं ना तब से इनके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। सच में
यहाँ पर क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ ये नहीं आ रहा। माता पिता जो है ना इस सीता से जो राम शादी करने वाला है उसके मम्मी डैडी हैं। अब पूरी पिक्चर मुझे समझ में आ रही है। अब देखिए इस एप्पल राजू का कमाल। जीजाजी ईद मुबारक। हाँ भाई ईद मुबारक। डैडी चार दिन बाद भाई की शादी है, उसे निपटा कर मैं घर आ जाऊंगा। तेरे माँ बाप मेरे भी माँ बाप जैसे ही है, मेरी तरफ से वो थालियों की अदला बदली करेंगे। आइए ना। सुपर टर्निंग पॉइंट, आइए थालियों की अदला बदली कीजिए। अपना काम तो हो गया जीजा जी, तो चलिए घर चलते हैं। अरे काहे चलते हैं घर, अभी हमारे भतीजे के भी माँ बाप हैं, शादी हो जाने तक ये सब यहीं रहेंगे। तुम जाओ और इनके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। हाँ जा रहा हूँ सर। अरे ओ पंडित शादी का काम शुरू करो। अब दोनों जन एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। अरे ऊपर की लाइट किसने बंद की? चालू करो लाइट, चालू करो। जाकर देख के आओ भाई। इसमें तेरे पैसे रख दिए हैं, 4,000 हैं। बात तो 5,000 रुपए की हुई थी। 1,000 बाद में दे दूंगा। और कोई काम होगा तो बताना। ठीक है बताऊंगा, अब तो जल्दी से जा। हाँ हाँ अंजू। बड़े मालिक भाई कहाँ है? अरे अभी तो इसे अंगूठी पहने, यहीं पे कहीं होगा, जाके बोलो उसे। अकल के दुश्मन, अंगूठी तेरे भतीजे ने नहीं पहनाई, तेरे प्रेमी चंदू ने पहनाई है। चंदू ने? वो कब आया? ए ढूंढो उसे, जल्दी जाओ, पूरा घर ढूंढ लो, चलो जाओ। मेरे हीरो प्रेमी को ढूंढने से पहले अपने जीरो भतीजे को ढूंढो। क्या वीर प्रताप? अरे कहाँ भाई? ए ए ए ए कहाँ है मेरा वीर प्रताप, बोलो। लंका में। ए नहीं जल्दी जाओ और जाकर ढूंढो, जाओ 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 ढूंढो उसे। कहाँ जा रहे हो भाई लोग? उस चंदू को नर्क पहुँचाने। अगर तुम लोग भेड़ बकरियों की तरह इस तरह झुंड में जाओगे तो कोई भी भाई को इस गांव से आराम से उठा कर ले जाएगा, इसलिए चार ग्रुप बनाकर तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, और अगर वो तुम लोगों को मिल जाए ना तो उसका वही गेम बजा दो। चलो अब जाओ। क्यों बेरंगा, तू क्यों हंस रहा है? अबे बोल ना भाया, मुझे अब सबको समझ में आ गया। क्या समझा? यही कि आपने सबको क्यों भगाया। हाँ। ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। हाँ। आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो भाई, उस बीबी के पूरे पलटन को भगा दिया आपने, उसे कमजोर खिलाड़ी बना दिया। अब आपकी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, है ना भाई? स्मार्ट बॉय। तू तो वाकई सब समझ गया रे। पूरे पिक्चर की कहानी समझ गया मैं। आप रंगा भाई है, मेरे सामने सब पानी कम चाहिए। अच्छा सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। वो किस लिए? इस प्लान में मेरी बहुत मदद की ना, इसलिए। मैंने मदद की? बिल्कुल भी नहीं की। किधर? अरे आप मुझे मरवाने पे चले, आप मुझे बेकार में फंसा रहे हैं। मैंने आपकी मदद कब की है बोलो? समझा कर रंगा। क्या? घर की लाइट जाने के बाद तूने क्या किया पता है ना? आपने झूमर उतारने को बोला, फिर मैंने उतार दिया, फिर ऊपर कुछ बांधने को बोला तो मैंने बांध दिया। बांधा ना? अगर ये बात ऊपर वाले को पता चल गई तो ऊपर वाला किसे मारेगा? तुझे ना। ऊपर वाला? मैंने झूमर को नीचे उतारा, फिर कुछ सामान ऊपर बांधा, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे ऊपर वाला क्यों मारेगा? मालिक मालिक मालिक। क्या हुआ रे, मिला कि नहीं? वो नहीं मिले, कुर्ता मिला मालिक। किसका कुर्ता है? कहा रे, इस पर लाल रंग से क्या लिखा है? चल पढ़ 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 पढ़। वो मालिक वो तेरी जात का, तू भी हमारी तरह अनपढ़ है रे। ए तुम में से किसी को पढ़ना आता है क्या? मुझे मुझे आता। अच्छा सर, पढ़ 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 पढ़। ए सालिया हलकट मेलिया कुतरिया। मालिक ये नाम सुनने में अच्छा लग रहा है, आप रख लीजिए ना। अरे उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा भाई, तू जल्दी पढ़। तेरे मोटे शरीर को काट कर तुझे मटन की दुकान में टांग दूंगा। का बोला? सर इसमें लिखा है सर। अरे ये हमारा शरीर मोटा है, ये बात उसको कैसे पता चली? सामने होगा तो पता नहीं चलेगा क्या? अरे कहाँ है वो? सर सर अंगूठी पहनाते वक्त सामने से देखा होगा। मालिक आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए भाई। तुम्हारे रखे हुए मुहूर्त में अंजू को मंगलसूत्र पहनाकर अंजू को यहाँ से सबके सामने लेकर जाऊंगा कहा था ना मैंने, तो मैं बीपी को भला क्यों ले जाऊंगा? वो घर में ही है, जाकर ढूंढ लो उसे। इतना ही लिखा है सर। तुम लोग खड़े कहाँ हो? बीपी को ढूंढो। चलो रे। चलो चलो। भाई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सामने है। तुम लोगों ने मुझे मारा क्यों बे?
अरे ये तो भाई का फोटो है रे। फोटो है तो क्या हुआ, भाई तो है। क्या हुआ, मिला कि नहीं? पूरा अड्डा छान मारा मालिक, लेकिन भाई कहीं नहीं मिले। वो लड़का बहुत होशियार है, हमारी बैंड बजा कर ही रहेगा मालिक। तुम्हारी तो कमीनो, रोज 10-10 बोरी चावल डकार जाते हो, लेकिन हमारे भतीजे को ढूंढ नहीं सकते। ए, अगर हमारे भतीजे को कुछ हुआ ना तो तुम सबका खाना पीना बंद कर दूंगा। ये क्या है? भाई! क्या हुआ बेटा? चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी लाशें क्यों न गिर जाएं, वो मुझे हर हाल में चाहिए, मैं उसे जिंदा काट दूंगा। चाहे वो कहीं भी हो, हम उसे खींच कर लाएंगे और तुम्हारे कदमों में डालेंगे। चल अब तू पानी पी ले बेटा। नहीं, मैं उसे काट कर उसका खून पी जाऊंगा, उसके खून से ही अपनी प्यास बुझाऊंगा। बाप रे, मर गया भाई। आपके मरने का टाइम आ गया है, अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो। अरे भैया को देखने से ऐसा लगता है कि वो चंदू को मारे बिना चैन से नहीं बैठेंगे। अगर वो चंदू मिल गया तो पहले उसे मारेंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। यार जान का खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरा होगा तो खेल में मजा भी आएगा। आपको मजा आ रहा है भैया का बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर? यहाँ मेरी पैंट बार बार ढीली हो रही है भाई। अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए उनके पास मत जाना। आप मेरी बात मानेंगे ना भाई? प्लीज भाई, जाकर माफी मांगूंगा। ऐसी गलती हर किसी पर करना। जरा देखो तो, भूखे शेर की तरह बैठा है वो। इससे पहले कि उसे सब पता चले, हमें खुद ही जाकर बता देना चाहिए। वो चंदू कौन है? मैं जानता हूँ कौन है वो, कहाँ रहता है वो, कौन है वो, बोलो। मैं हूँ अंजू का प्रेमी भी मैं हूँ, आपको झूमर पर बांधने वाला आशिक भी मैं हूँ, और आपको चैलेंज करके उसे शादी करने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ भाई, चंदू की मौत ही आपकी खुशी है ना भाई? मैं आपकी खुशी चाहता हूँ, मुझे मार दो भाई। रुक जाओ। अरे ये सब क्या है? मेरे लिए तू, मेरी खुशी के लिए तू अपनी जान देने चला है? तू सच में मेरा भाई है रे, मेरा भाई है। भाई, आप इंसान नहीं है, आप भगवान है भाई, मैं जिंदगी भर आपकी पूजा करता रहूंगा भाई। भाई भैया, भैया भाई, बाबा बच्चा हमारे इलाके में हमारे ही आदमियों को गायब करता जा रहा है, और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। दुबई से आते ही सबके पीछे पड़ गया हाथ धोकर। अगर मैं उसके सामने गया तो खींच खींच कर बजाएगा वो भाई। लड़की तो तेरे बगल में है ना, उसके साथ जबरदस्ती शादी भी कर सकता है तू, या उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है, तो फिर मुहूर्त का इंतजार क्यों कर रहा है तू? मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ बाबा। भैया बोल छोटे, शादी कब है? कल ही। अगर कल तक रुकोगे तो वो मेरे बेटे को रावण की तरह तड़पता छोड़कर खुद राम बनकर सीता को यहाँ से ले जाएगा। शादी आज ही होगी। इस शादी को रोकने के लिए वो किसी भी कीमत पर यहाँ आएगा। जाकर शादी की तैयारियां करो। चलो चलो भाई। hey, वो कौन है? उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। अपना लॉयर है बाबा। हाँ सर, मैं अपल राजू का भांजा हूँ। बाप रे, सीने पे गोली चलने जैसा क्यों लगा? मैं क्यों डरूं? श्रीलंका के भगवान मेरे साथ जो हैं। के चारों तरफ सख्त पहरा लगा हुआ है, और यहाँ चंदू अकेला, क्या होगा भगवान ही जाने। ए,
क्या हुआ तुम इस तरह चुप चुप के क्यों देख रहे हो? पकड़ा गया तो बीबी मुझे मार देगा, ये सोचकर मेरी हालत पतली होती जा रही है। ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ गया है लेकिन दिमाग जरा भी नहीं बढ़ा। मुझे देखो, मैं इतना ही हूँ, उस भगवान के भरोसे पर बिना किसी डर के मस्त बिंदास जी रहा हूँ। तू भी मेरी तरह अपने दिल से डर निकाल दे और उस जय सूर्या मुरलीधरन भगवान पर भरोसा रख, साफ ठीक हो जाएगा। वो काहे का भगवान है, वो तो क्रिकेट प्लेयर है, हमेशा गलत बोलता है। अरे ये क्या, ये तो वही प्रेमी है, उसका फ्रेंड है। अरे बेवकूफ, भगवान को बदनाम करता है। ये वो भगवान है जो स्वर्ग को छोड़कर अपने भक्तों के लिए यहाँ आते हैं। तेरी जात का, तुम हमेशा कहते हो कि उनके बारे में पता है, पता क्या खाक पता है, वैसे उनके बारे में क्या पता है? हाँ बताता हूँ, इधर आओ। अगर आप भगवान हैं तो गायब होकर दिखाइए, अगर आप सच में भगवान हैं तो वापस जाकर दिखाइए। भाग जाओ। प्रभु मैं देवताओं का मामा बना हूँ, मेरा जन्म सार्थक हो गया भगवान, तो ये है असली कहानी। तेरी तो अकल का अंधा, मैंने तुझे बहुत होशियार समझा था लेकिन तू तो पूरा का पूरा एड़ा निकला। एक दो ऐसे दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। रात में सर पे फ्लैशलाइट बांधने से कोई भगवान बन जाता है क्या? मैं भी मानता हूँ, मुझे भी मान। सुनो असली कहानी मैं बताता हूँ। आपकी प्रेमिका से भैया की शादी हो रही, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी वाली से यही शादी करने वाला हूँ। यह है असली कहानी। भक्त, सेवा का वक्त हो गया है, आओ भक्त। आता हूँ भगवान। तुम यहाँ जो मेरी सेवा करोगे मैं उसका वहाँ पे मेवा दूंगा भक्त। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। यही मेरी सेवा करोगे? यही आपकी सेवा करूंगा। ओके। सॉरी सॉरी। चलो प्रभु की सेवा करो। अरे भगवान को मारेगा तो तुझे पाप लगेगा। मुझे पाप? तेरे को दिखाता हूँ मैं अभी पाप। क्या कर रहा है? भगवान को मारता है, श्राप दे दूंगा। श्राप दे दूंगा मुझे? हाँ मुझे डर लग रहा है, बहुत डर गया हूँ मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मर जाएगा। अरे मुझे तो मार रहे हो। अरे बाप रे, आई। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? बस करो, छोड़ दो। तुम लोग की कहानी बीबी को बताकर मैं तुम लोग की कहानी का दी एंड करवाऊंगा, उसे सारी बात बता दूंगा। क्या बताओगे मामा जी? यही बताऊंगा कि तुम लॉयर नहीं लवर हो। अगर तुम उसे बता दोगे तो वो सबसे पहले तुम्हें काट देगा। मुझे क्यों काटेगा वो? जानना चाहते हो? हाँ। यहाँ हमारी एंट्री क्यों हुई है पता है? हाँ, यही कि तुम लोग एप्पल राजू MALLB के भांजे हो। ऐसा कहते ही हमारा छोड़ो, तुम्हारा क्या हाल होगा ये सोचो। मैं बिजली का जोरदार झटका लग गया ना? हाँ लग गया। पहले मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था और मेरा भी ऐसा ही हाल था। इसीलिए कहता हूँ शादी में आए हैं, काम वाम करेंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। जाइए, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और क्या, जल्दी से खिसक ले। अरे तुम रुक क्यों गए? इसको कहते हैं तकदीर का खेल बेटा, वहां देखो दिल खुशी से गा रहा है, आज मैं आजाद हो गया, अब मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी, अरे लाइफ सेटल हो जाएगी। क्या? अरे यार गाड़ी रुकी, लगता है हम किसी गांव में आ गए। अरे तो उसमें डरने की क्या बात है, अब हम श्रीलंका में नहीं है, अयोध्या में आए हैं, अब हम अयोध्या के शेर हैं। चल उठ जा, किसकी मजार है जो डायलॉग भूल के क्या? देखो मैं बोलता हूँ। का रे का हुआ, तुम लोग अनाज की लॉरी में क्या कर रहे हो? हम यहाँ से भाग रहे थे। अरे चुप, कुछ भी बोलता है, ये बात नहीं है सर, उस चंदू ने हमें मार मार कर इस लॉरी में डाल दिया था सर। चंदू ने लॉरी में डाल दिया था? हाँ सर। अब वो चंदू पकड़ा जाएगा, वो इस लंका से बाहर नहीं जा सकता। इन लोगों को अपने साथ ले आओ और गेट पर रखवाली करने के लिए बिठा दो। अब तू गया। क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे साय की तरह चले आ रहे हो? मालिक ने हमें तुम्हारे पीछे रहने के लिए कहा है। अपनी तो तकदीर ही खराब है। ए बैठो रे। तूने कोट छोड़ा, चम्मच पकड़ा, दम, दम, दम। चम्मच छोड़ा, बंदूक पकड़ी, दम, दम, दम। देव लग्नम तारा वलम चंद्र वलम, सुनिए वधु को ले आइए। मौत भी थर थर कांपेगी, ऐसी भयानक मौत दूंगा मैं उसको। हिम्मत है तो बुलाओ उसे।
वो तो कब का आ चुका है यहाँ? क्या, कहाँ छुपा है वो? अपनी मौत से मिलने की बहुत तमन्ना हो रही है तुझे? क्या कहा तूने? वो यही कहीं छुपा है। ढूंढो उसे, जाओ। अरे ओ चप्पल, कब आ रहे? तूने गोली कहाँ चलाई? मुझे लगा वो ऊपर है इसलिए गोली चलाई। ऊपर क्या कोई भगवान बैठा हुआ है? इतने दिन तक यही सोचकर तो धोखे में रहा हूँ मैं। चुप रे, वो यहीं कहीं पर है, जरा आंखें खोल कर देखो। उसे देखने को कहा तो तू इसे क्यों देख रहा है? जाओ जाके ढूंढो। वो यही है, आप मुझे इधर उधर ढूंढने के लिए कह रहे हैं? उधर नहीं बेकमीने, चल देख देख देख। अगर फिर हाथ उठाए ना तो सारी सच्चाई उगल दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। हमसे क्या छुपा रहे हो? हाँ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ साफ बता दो। बताता हूँ। अरे मुझे क्यों मारा? हाथ से निकल गया वो। हाँ, वो कहीं पर नहीं मिला बाबा। ओए, हिम्मत है तो सामने आ। औरतों की तरह छुप कर क्यों बैठा है रे? अगर तुम मर्द है तो हमारे सामने आ। भाई, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। मैं उसे मारूंगा फिर शादी करूंगा। भाई 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 भाई, ये देखिए क्या लिखा है। भाई, अंजू फिर चंदू आधे घंटे में शादी कर रहे हैं। हाँ, अबे डरपोक कहीं का, अगर तू खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता है तो मेरे सामने आ। मैं यही हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई, मैं सब संभालूंगा। आप पानी पीजिए। मुझे पानी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। ए, बाहर आ। भाई भाई, ये देखो भाई, भाई भाई, अंजू फिर चंदू 15 मिनट के बाद शादी कर रहे हैं। रुक जा बेटा, उस कमीने को लाने की तरकीब है मेरे पास। लड़की को मंगलसूत्र बांधो, वह खुद ब खुद सामने आ जाएगा। चलो बांधो मंगलसूत्र। अरे वो मर्द है क्या? अगर वो मर्द होता तो मेरे सामने आकर लड़ता, औरतों की तरह छुप कर वार नहीं करता। ए दीप्ति, जितनी बार तूने उसे बुलाया वो तेरे सामने आता गया। मेरे सामने आया था वो? बस एक बार फ्लैशबैक में जाकर देखो। मतलब शेखर, चंदू प्लस शेखर इज इक्वल टू चंद्रशेखर। चिरंजीवी चंद्रशेखर और चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती अंजू का विवाह आने वाले शुक्रवार को सुबह 10:10 पर संपन्न हो जाएगा। करेक्ट, उसी से मेरी शादी होगी। खेल खत्म हो चुका है, अब जंग शुरू करें क्या? बापे। शाबाश बच्चे, शाबाश। आज तक मेरी इस चौखट पर किसी ने भी पैर रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यहाँ मेरा राज चलता है। तुम यहाँ अपने दिमाग से आ तो गए, मगर अब यहाँ से जिंदा बचकर जा नहीं पाओगे। ये मेरा साम्राज्य है। इस लड़की को हासिल करने के लिए तुम्हें चट्टान से टकराना होगा। खत्म कर दो इसे।
भाई वो आपकी ताकत कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, मगर मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं शहर से गुंडे मंगवाऊंगा। इस भाई के होते हुए तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है बहन। वीर मेरी बात सुन, वीर रुक जा, वीर आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा कभी नहीं। आ जा वीर। अंजू मेरी है और उसकी हर प्रॉब्लम भी मेरी है। नहीं, वीर बेटा खत्म कर डाल इसे। वीर ले चल इसे और जल्दी से इसके गले में मंगलसूत्र बांध। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो इसे जान से मार दूंगा। जिसमें दम होता है वो तेरी तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। अगर तुझ में हिम्मत है तो कम से कम खुद को बचाने की कोशिश कर। जा कोशिश कर। हेलो, पुलिस स्टेशन है ना, यहाँ हमारा भाई और उसका बेटा जायदाद के लिए आपस में लड़कर मर गए। वो आपकी सफेद रंग की गाड़ी है ना, उसे जल्दी से लाइए और लाश ले जाइए। हाँ वकील बाबू, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, आप मंगलसूत्र बांधिए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा, हम सब एक है ना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। हनुमान जी के बिना राम सीता की शादी कैसे होगी? जाओ हनुमान। श्रीलंका के भगवान कहाँ गए? लंका में। हाँ? अच्छा आओ आओ।